दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज हुई द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए हैं और इस मूवी ने रिलीज होने के बाद कितनी कमाई किया है और ये सीरीज हिट हुआ या फिर फ्लॉप हुआ है, इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस सीरीज का दूसरा सीजन कब तक रिलीज होगा और आपको कब तक देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें ये सीरीज आपको अभी YouTube पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सीरीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो फैंस अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इसी के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग मुझे कहोगे इसको रिलीज करने के लिए तो मैं यहाँ पे इस सीरीज को कभी भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। और दोस्तों आप मान लो कि मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा और कर भी दिया तो मैं यहाँ पे इस मूवी को जैसे अपलोड करूंगा मुझे जो है कंपनी कॉपीराइट दे देगा और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ इस मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो कि जॉन ले कॉर के इस नाम के उपन्यास पर आधारित जो है ब्रिटिश के ऊपर टेलीविजन श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 के रिमेक के रूप में ये सीरीज काम करती है। आपको बताएं दोस्तों संतानु सान जो है और उनके अलावा सेन गुप्ता जो भारतीय नौसेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट जो है वर्तमान में थे, जो 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ जो है नरसंहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में एक नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें ये देखने को मिलता है उनसे 14 साल की शादीशुदा लड़की सफीना किदवैया ने संपर्क किया जिसके बाद स्टार होटल के बहुसंख्या शेयर मालिक जो है फ्रेडी रहमान को भारत भागने में मदद करने के लिए उसके मना करने के बाद भी वह उसका फोन चुरा लेती है। और दोस्तों बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली के साथ जो है रोंगटा और उसके जो है फ्रेडी के बीच शान के फोन में एक बैठक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वह जो है कागजी कार्रवाई की तस्वीरें भी लेकर आती है और शान को फोन लौटा देती है इसके बाद, ताकि दोस्तों वह सब कुछ जो है देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी प्राप्त कर सके और सबूत जो है साझा करने के लिए वहां पे ढाका में और भारतीय इसके बाद दोस्तों भारतीय उच्चायोग के अपने मित्र विक्रम जो है भागवत के पास वो चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है विक्रम बदले में नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका सेकिया राव को बांग्लादेश के प्रभारी है जो कि वो सूचना भेजते हैं वहाँ पे सेली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले हुए सबूत अधिकारियों के रूप में उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों वह जो है शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करते हैं जब तक कि वह अगली दोपहर ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लिए लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने आदमियों के साथ उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेता है। इसके बाद दोस्तों शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है, जिसकी वजह से अगले दिन जब वह सफीना के लिए खाने लेने के लिए बाहर जाता है इसके बाद वो देखता है लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है।
हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है। जैसे ही दोस्तों सफीना पंख से गिरकर मर जाती है, इसके बाद वह वापस आता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहती है कि उसने होटल में हाई प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए थे और पकड़े जाने से डर से वो कूद गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों लिपिका दोनों को जो है तबाह कर देती है ये बात, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी मौत के पीछे थे और ये शान को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीज़। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कहानी जरूर देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पूरे 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा होता है। वो एकांत जीवन जी रहा है, एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम भी करता है। दोस्तों ढाका में सफीना को वापस न बचाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान है। इसके बाद हालांकि वह एक दिन उसके जो है वरिष्ठ उसे बताते हैं कि सैली अपने जो है सहयोगियों के साथ कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट से रहने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों उनके आने के बाद शान अपने कमरे के जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वो अपने कमरे में झांकने लगता है और इधर उधर चीजों को उठाकर देखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसके कमरे के कचरे से सारे रिपोर्ट पता चल जाता है। इसके बाद उनके आने के बाद शान अपने कमरे के कचरे को वहाँ पे पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे लिपिका को मेल कर देता है। इसके बाद अपने प्रवास के दौरान सैली की लगातार शान से मुलाकात होती है और वह हर बार वह शान के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों वह अपना कोट भी याद के तौर पर शान को दे देता है और जब वह रिसोर्ट से बाहर निकलता है इसके बाद अगले दिन शान एक अंदर कवर जो है लिपिका से मिलने आता है, जिससे अब जो है एजेंसी के अभी लेखन धारा अनुभाग में अनुभाग के साथ जो है पदावनत कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दोनों सैली के सिंडिकेट में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, लेकिन लिपिका और उसके सहकर्मी जो है सरंगा धारा आयोजित की गई एक नाटकीय सेटअप के साथ जो है शान एक अंतर्राष्ट्रीय भगोरे के रूप में सैली के करीब जाने के लिए श्रीलंका पहुंचने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी में हमें देखने को मिलता है लिपिका धारा नियोजित किए गए एक नकली अपहरण में वो अपने बेटे ताहा को बचाता है। हालांकि इसे और अधिक जो है वास्तविक दिखाने के लिए वह जानबूझकर घायल हो जाता है। शान को देखने और खोजने पर सैली और उसका करीबी जो है ब्रिजपाल उर्फ बीजे दोनों एक अलग जो है उपनाम के साथ एक श्रीलंकाई पासपोर्ट पाते हैं और वह उसके स्वास्थ्यालय के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ लेकर जाने का निर्णय करता है, जिसके बाद दोस्तों नतीजतन शान सैली के गिरोह में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर लेता है और उनके बीच जो है अराजकता पैदा करने में सफल होता है। शान को अंत तक ये पता चलता है कि सैली के पास जो है दिवालियेपन के कगार पर और उसके साथ एक सौदा करने की उम्मीद के साथ जो है बरगाती हुई एक तेल और बैरन से मिलने के लिए रियाद जाने की योजना बनाता है। इसके बाद दोस्तों उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक भारतीय साथी है जो इंद्रा धनुष के नाम से जाना जाता है और जो सैली के वकील के साथ मिलकर इस कारण जो उपयोग करते हुए लिपिका ने भी बीजे को अपने जो है गिरफ्तार करने के लिए रियाद में एक सेटअप लगाया। इसके बाद दोस्तों समलैंगिकता के साथ जो है समलैंगिकता के तहत जो मध्य पूर्व में प्रतिबंध थे इसके सफल होने के बाद जो है सैली कोई अन्य जो है रास्ता नहीं होने के कारण शान को सीईओ पद जो है प्रदान करती है, जो पहले 30 दिनों के लिए बीजे धारा कब्जा कर लिया गया था और उसे अंदर से बाहर निकालने का इरादा रखते हुए शान खुशी से प्रस्ताव के लिए सहमत भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पूर्व भारतीय नौसेना जो है लेफ्टिनेंट संतानु शान जो है सेना गुप्ता के साथ वर्तमान में 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ दोस्तों नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टार होटल के बहुमत जो है शेयर मालिक की पत्नी सफीना जो है फिदवाई ने उनसे संपर्क किया,
इसके बाद दोस्तों फ्रेडी रहमान उसे भारत जो है भागने में मदद करने के लिए उसके मदद करने के लिए उसको मना करने पर वह उसका फोन चुरा लेती है और बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर सेली और इसके अलावा जो है रुंगटा और फ्रेडी के बीच एक बैठक जो है रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों कागजी कार्रवाई की तस्वीरों में भी काफ़ी जो है कुछ तस्वीरें लिया जाता है और शान को फ़ोन इसके बाद वापस लौटा देती है ताकि दोस्तों वह सब कुछ देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी और सबूत जो है साझा करने के लिए ढाका में भारतीय जो है उच्च योग में जा सके। उच्च योग के अपने जो है मित्र विक्रम जो है भागवत से संपर्क किया जाता है। इसके बाद दोस्तों विक्रम नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका और सैकिया रो जो बांग्लादेश की प्रभारी है उनको सूचना भेजा जाता है और वह सेली पर नज़र रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले सबूत जो है आधिकारिक रूप से उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है और वह शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करती है जब तक कि वह अगली दोपहर तक जो ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वो अपने जो है आदमियों के साथ जो है उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेने लगता है। शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है। अगले दिन दोस्तों जब जो है सफीना के लिए खाना लेने के लिए बाजार जाता है तो वह लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है और जैसे ही सफीना पंख से गिरकर मर जाती है तो वह वापस आ जाता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना जो ये कहते हैं कि उसने होटल में कई यानी कि प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए और पकड़े जाने के डर से वो कूद गई। इसके बाद दोस्तों ये शान जो है देखकर लिपिका और दोनों को जो है तबाह कर देता ये खबर और दोस्तों ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़े थे ये शान को अपनी जो है नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उससे मौत का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेता है। इसके बाद दोस्तों दो साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा है। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और ढाका में सफीना को वापस न बचा पाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान भी है। और दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर वेब सीरीज को तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संतानु सेन गुप्ता इज द एन फ्रॉम द एंड लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी इज द करंटली एंड वर्किंग इज द नाइट मैनेजर इन द प्रेमियर एंड स्टार होटल इन ढाका एंड इमेज द एंड रोहिंग्या एंड गुनेकिन इन 2017 ही इज द एन अप्रोचेड बाय द सफीना एंड क्वाडिया 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल इन मैरिज टू बी द एंड मुजैटी श्री ओनर ऑफ द एन स्टार होटल द फ्रेडी रहमान टू हेल्प हेयर द एन एस्पेक्ट टू इंडिया द ओपन हिज द एन रिफ्यूजल सी हिज द एन स्टिल टू बी हिप द फोन एंड द इंडिस्ट्यूटी द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग इन द एन सन इज द फोन द बिटवीन द एंड सिलेंडर द सैली एंड रेन गुप्ता रेन द रोंगटा एंड द फ्रेडी अबाउट द बोइंग एंड द सुमिलेन एंड इलीगली अराम टू बी इन बांग्लादेश सी ऑल्सो द टेकेज द पिक्चर ऑफ द इन पार्क वर्क एंड रिटर्न द फोन टू शान सो थेट हिट द नाउ व्यू एंड एवरीथिंग ओपन द सिंग एवरीथिंग ही द एन गो टू फ्रेंड विक्रम भागवत टू ऑफ द इंडियन हाई एंड कमीशन इन ढाका टू द श्री शेयर द इंफॉर्मेशन एंड द इन एविडेंस विक्रम इन द टर्न सेंड द इंफॉर्मेशन टू राव ऑफिसर लिपिका सैकिया राव हु इज द एंड चार्ज ऑफ द बांग्लादेश इन न्यू दिल्ली सी हिज द बिन द कीपिंग एंड टेप्स ऑन द सेली एंड ब्लेवेज द डी एंड एविडेंस द एन सी द रिसीवेड फ्रॉम द एन सफीना एंड शान इज द न्यूक द टू एन ऑफिसली गो द आफ्टर हिम द सी एन रिक्वेस्ट शान टू कीप द सफीना सेफ फॉर द नाइट टेल सी द अरेव इन ढाका
द नेक्स्ट द एंड आफ्टरनून द एंड मनविल बट द फ्रेडी एंड द सैली कम टू द नाउ अबाउट थर्ड द मीटिंग द बिंग द लिक्विड सैली द आस्क्स फ्रेडी टू किल सफीना ही द अलॉन्ग विद द हिम द एंड सर्च द एन एंटायर होटल फ्रॉम हेयर सान टेक्स सफीना टू न्यू विंग द एंड करंटली अंडर द एंड कंट्रीब्यूशन इन द होटल टू द एंड सेव द कीपिंग द नेक्स्ट डे एंड ही द गोज टू द गेट द फूड फॉर द सफीना ही कॉल द लिपिका टू द एंड इंक्वायरी अबाउट हेयर द करंट द एंड करंट द एंड हुअर बुट द हाउ एवर द लिपिका एंड रियलाइज द हेयर द फोन हैज द बीन द एंड बजेट एंड ऑर्डर द सान टू हैरी द बैक टू सफीना ही द कम टू एंड बैक द जस्ट द सफीना एंड फेल टू द हार्ट डेट फ्रॉम Windy here the end did hit the end role in the end suicide the local police the who the end beat the NC hotel and the jewelry from the end high profile and guest in the hotel and the jump is the as the end with the end chagod this the end depicted to be both the Santa and Lipika now the end completely the will be both the Freddy and the Sally where the behind the here the end they did the end permitted the son to be live in the job. Finally, 2 years later, Santa now lived and resolved the and resolved the life in the Shimla, working as the night manager in the and start report hit the and constantly, and the failure the not being the and able to be save the Safina and back in the Dhaka. However, the and one day hit the super and the superior the tells him the Sally the along with the hit the and is wished to be and. Coming stay in the resort the few days once the end arrived. Santa collected the strong information from the entrance hit the room and mails it the to Lipika over the course of the hit the end Sally. तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को. तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं. इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं. इस वेब सीरीज की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो न्यूज 18 के लिए दिशा शर्मा ने लिखा है अधिकांश श्रृंखलाओं की तरह द नाइट मैनेजर भी तीसरे एपिसोड में गति में गिरावट का गवाह बन जाता है. धीरे धीरे सभी जो है कार्ड बिछा रहा होता है. हालांकि श्रृंखला के अचानक अंत के कारण डुबकी हुई पूरी तरह से शूट नहीं होती है. चौथे एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो आपको हवा में लटकते हुए देखा जा सकता है इस सीरीज के अंदर. इसके बाद दोस्तों डेक्कन क्रॉनिकल के अजीत अंधेरे ने लिखा है किसी कारण से श्रृंखला का केवल जो है पहला भाग जिसमें 4 एपिसोड शामिल किया गया है अगले भाग की घोषणा के साथ जो जल्द ही जारी किया गया है. हालांकि ये एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि कहानी पहले से काफी सही है. इस स्क्रॉल इन के लिए नंदिनी रामनाथ ने महसूस किया है कि फिल्म के अंदर और साथ ही साथ दोस्तों तिलोत्तम शर्मा ने सबसे जो है मूल्यांकन भूमिका इसमें निभाई है और लिखा है जब उसे होने की आवश्यकता होती है तो वह ग्रहणशील जो है साधन संपन्न करता है और दिखाई देता है. इसके बाद दोस्तों निर्दयी सोम की लिपि का एक पूरी तरह से न्याय करने वाला दृश्य चुराने वाला है जो बदनाम रीमेक को वह काट देती है. जब वह गायब हो जाती है तो उसके जो है सुराग जो है आसपास होते हैं. दोस्तों इस श्रृंखला की समीक्षा करते हुए दीप प्रिंट की टीना दास ने लिखा जबकि मूल के साथ जो है तुलना और इसके साथ जो अपरिहार्य है एक भारतीय दर्शकों के अनुरूप जो अनुकूलन अनुभव को कम नहीं करता है. साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक चरित्र के अलावा आपको बतला दे विषय और अतीत के भूतों से निपटने के विषय हर बार जो है आपको इसमें देखने को मिलता है. तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा. तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की
नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों, इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो फैंस, अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इसी के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग मुझे कहोगे इसको रिलीज करने के लिए, तो मैं यहाँ पे इस सीरीज को कभी भी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। और दोस्तों आप मान लो कि मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, और कर भी दिया तो मैं यहाँ पे इस मूवी को जैसे अपलोड करूंगा, मुझे जो है कंपनी कॉपीराइट दे देगा और मेरे इस चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाएगा। तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ इस मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे, द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है, जो कि जॉन ले कोर के इस नाम के उपन्यास पर आधारित जो है ब्रिटिश के ऊपर टेलीविजन श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 के रिमेक के रूप में ये सीरीज काम करती है। आपको बताएं दोस्तों, संतानु सान जो है और उनके अलावा सेन गुप्ता जो भारतीय नौसेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट जो है वर्तमान में थे, जो 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ जो है नरसंहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में एक नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें ये देखने को मिलता है, उनसे 14 साल की शादीशुदा लड़की सफीना किदवैया ने संपर्क किया। किदवई ने संपर्क किया जिसके बाद स्टार होटल के बहुसंख्या शेयर मालिक जो है फ्रेडी रहमान को भारत भागने में मदद करने के लिए उसके मना करने के बाद भी वह उसका फोन चुरा लेती है। और दोस्तों बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली के साथ जो है रोंगटा और उसके जो है फ्रेडी के बीच शान के फोन में एक बैठक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वह जो है कागजी कार्रवाई की तस्वीरें भी लेकर आती है और शान को फोन लौटा देती है इसके बाद, ताकि दोस्तों वह सब कुछ जो है देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी प्राप्त कर सके और सबूत जो है साझा करने के लिए वहां पे ढाका में और भारतीय। इसके बाद दोस्तों भारतीय उच्चायोग के अपने मित्र विक्रम जो है भागवत के पास वो चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है, विक्रम बदले में नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका सेकिया राव को बांग्लादेश के प्रभारी है, जो कि वो सूचना भेजते हैं वहाँ पे सेली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले हुए सबूत अधिकारियों के रूप में उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों वह जो है शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करते हैं, जब तक कि वह अगली दोपहर ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लिए लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने आदमियों के साथ उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेता है। इसके बाद दोस्तों शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है, जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है, जिसकी वजह से अगले दिन जब वह सफीना के लिए खाने लेने के लिए बाहर जाता है, इसके बाद वो देखता है लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है। जैसे ही दोस्तों सफीना पंख से गिरकर मर जाती है, इसके बाद वह वापस आता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहती है कि उसने होटल में हाई प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए थे और पकड़े जाने से डर से वो कूद गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों लिपिका दोनों को जो है तबाह कर देती है ये बात, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी मौत के पीछे थे और ये शान को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीज। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कहानी जरूर देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पूरे 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा होता है, वो एकांत जीवन जी रहा है, एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम भी करता है। दोस्तों ढाका में सफीना को
वापस न बचाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान है। इसके बाद हालांकि वह एक दिन उसके जो है वरिष्ठ उसे बताते हैं कि सैली अपने जो है सहयोगियों के साथ कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट से रहने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों उनके आने के बाद शान अपने कमरे के जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वो अपने कमरे में झांकने लगता है और इधर उधर चीजों को उठाकर देखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसके कमरे के कचरे से सारी रिपोर्ट पता चल जाता है। इसके बाद उनके आने के बाद शान अपने कमरे के कचरे को वहाँ पे पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे लिपिका को मेल कर देता है। इसके बाद अपने प्रवास के दौरान सैली की लगातार शान से मुलाकात होती है और वह हर बार वह शान के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों वह अपना कोट भी याद के तौर पर शान को दे देता है और जब वह रिसोर्ट से बाहर निकलता है इसके बाद अगले दिन शान एक अंदर कवर जो है लिपिका से मिलने आता है जिसे अब जो है एजेंसी के अभी लेखन धारा अनुभाग में अनुभाग के साथ जो है पदावनत कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दोनों सैली के संडिकेट में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं लेकिन लिपिका और उसके सहकर्मी जो है सरंगा धारा आयोजित की गई एक नाटकीय सेटअप के साथ जो है शान एक अंतर्राष्ट्रीय भगोरे के रूप में सैली के करीब जाने के लिए श्रीलंका पहुंचने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी में हमें देखने को मिलता है लिपिका द्वारा नियोजित किए गए एक नकली अपहरण में वो अपने बेटे ताहा को बचाता है। हालांकि इसे और अधिक जो है वास्तविक दिखाने के लिए वह जानबूझकर घायल हो जाता है। शान को देखने और खोजने पर सैली और उसका करीबी जो है ब्रिजपाल उर्फ बीजे दोनों एक अलग जो है उपनाम के साथ एक श्रीलंकाई पासपोर्ट पाते हैं और वह उसके स्वास्थ्यालय के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ लेकर जाने का निर्णय करता है जिसके बाद दोस्तों नतीजतन शान सैली के गिरोह में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर लेता है और उनके बीच जो है अराजकता पैदा करने में सफल होता है। शान को अंत तक ये पता चलता है कि सैली के पास जो है दिवालीपन के कगार पर और उसके साथ एक सौदा करने की उम्मीद के साथ जो है बरगाती हुई एक तेल और बैरन से मिलने के लिए रियाद जाने की योजना बनाता है। इसके बाद दोस्तों उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक भारतीय साथी है जो इंद्रा धनुष के नाम से जाना जाता है और जो सैली के वकील के साथ मिलकर इस कारण जो उपयोग करते हुए लिपिका ने भी बीजे को अपने जो है गिरफ्तार करने के लिए रियाद में एक सेटअप लगाया। इसके बाद दोस्तों समलैंगिकता के साथ जो है समलैंगिकता के तहत जो मध्य पूर्व में प्रतिबंध थे इसके सफल होने के बाद जो है सैली कोई अन्य जो है रास्ता नहीं होने के कारण शान को सीईओ पद जो है प्रदान करती है जो पहले 30 दिनों के लिए बीजे द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उसे अंदर से बाहर निकालने का इरादा रखते हुए शान खुशी से प्रस्ताव के लिए सहमत भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पूर्व भारतीय नौसेना जो है लेफ्टिनेंट संतानु शान जो है सेना गुप्ता के साथ वर्तमान में 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ दोस्तों नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टार होटल के बहुमत जो है शेयर मालिक की पत्नी सफीना जो है फिदवाई ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद दोस्तों फ्रेडी रहमान उसे भारत जो है भागने में मदद करने के लिए उसको मना करने पर वह उसका फोन चुरा लेती है और बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर सैली और इसके अलावा जो है रूंगटा और फ्रेडी के बीच एक बैठक जो है रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों कागजी कार्रवाई की तस्वीरों में भी काफी जो है कुछ तस्वीरें लिया जाता है और शान को फोन इसके बाद वापस लौटा देती है ताकि दोस्तों वह सब कुछ देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी और सबूत जो है साझा करने के लिए ढाका में भारतीय जो है उच्च योग में जा सके। उच्च योग के अपने जो है मित्र विक्रम जो है भागवत से संपर्क किया जाता है। इसके बाद दोस्तों विक्रम नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका और सैकिया रो जो बांग्लादेश की प्रभारी है उनको सूचना भेजा जाता है और वह सैली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले सबूत जो है आधिकारिक रूप से
उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है और वह सांसद सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करती है जब तक कि वह अगली दोपहर तक जो ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वो अपने जो है आदमियों के साथ जो है उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेने लगता है। सांस सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है। अगले दिन दोस्तों जब जो है सफीना के लिए खाना लेने के लिए बाजार जाता है तो वह लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह हसान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है और जैसे ही सफीना पंख से गिरकर मर जाती है तो वह वापस आ जाता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहते हैं कि उसने होटल में कई यानी कि प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए और पकड़े जाने के डर से वो कूद गई। इसके बाद दोस्तों ये शान जो है देखकर लिपिका और दोनों को जो है तबाह कर देता ये खबर। और दोस्तों ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़े थे, ये शान को अपनी जो है नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उससे मौत का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेता है। इसके बाद दोस्तों दो साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा है। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और ढाका में सफीना को वापस न बचा पाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान भी है। और दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर वेब सीरीज को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संतानु सेन गुप्ता इज द एंड फ्रॉम द एंड लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी इज द करंटली एंड वर्किंग इज द नाइट मैनेजर इन द प्राइमर एंड स्टार होटल इन ढाका एंड इमाइट द एंड रोहिंग्या एंड गुनेकिन इन 2017 ही इज द एंड अप्रोचेड बाय द सफीना एंड क्वाडिया 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल एंड मैरिड टू बी द एंड मुजैटी श्री ओनर ऑफ द एन स्टार होटल द फ्रेडी रहमान टू हेल्प हियर द एन एस्पेक्ट टू इंडिया द ओपन हिज द एन रिफ्यूजल सी हिज द एन स्टिल टू बी हिप द फोन एंड द इंडिस्क्यूटी द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग इन द एन सन इज द फोन द बिटवीन द एंड सिलेंडर द सैली एंड रेन गुप्ता रेन द रोंगटा एंड द फ्रेडी अबाउट द बोइंग एंड द सुमिलेन एंड इलीगली अराम टू बी इन बांग्लादेश सी ऑल्सो द टेकेज द पिक्चर ऑफ द इन पार्क वर्क एंड रिटर्न द फोन टू सान सो ठेट हिट द खनाओ व्यू एंड एवरीथिंग ओपन द सिंग एवरीथिंग हिट द एंड गो टू फ्रेंड विक्रम भागवत टू ऑफ द इंडियन हाई एंड कमीशन इन ढाका टू द श्री शेयर द इंफॉर्मेशन एंड द इन एविडेंस विक्रम इन द टर्न सेंड द इंफॉर्मेशन टू राव ऑफिसर लिपिका सैकिया राव हु इज द एंड चार्ज ऑफ द बांग्लादेश इन न्यू दिल्ली सी हिज द बिन द कीपिंग एंड टेप्स ऑन द सेली एंड ब्लेबेज द डी एंड एविडेंस द एन सी द रिसीवेड फ्रॉम द एन सफीना एंड शान इज द न्यूक द टू एंड ऑफिसली गो द आफ्टर हिम द सी एंड रिक्वेस्ट शान टू कीप द सफीना सेफ फॉर द नाइट टेल सी द अरेव इन ढाका द नेक्स्ट द एंड afternoon the and manuel but the freddy and the sally come to the now about third the meeting the being the liquid sally the asks freddy to kill safina he the along with the him the and search the an entire hotel from here san takes safina to new wing the and currently under the and contribution in the hotel to the end save the keeping the next day and he the goes to the get the food for the safina he call the lipika to the end inquiry about here the current the end where put the however the lipika and realize the here the phone has the been the end budget and order the son to hurry the back to safina he the come to and back the just the safina and fell to the heart dead from
विंदी हियर द एंड डेट हिट द एंड रोल इन द एंड सुसाइड द बॉय द बाय द लोकल पुलिस द हु द एंड बीट द एन सी होटल एंड द ज्वेलरी फ्रॉम द एंड हाई प्रोफाइल एंड गेस्ट इन द होटल एंड द जम्पेज द एज द एंड विच द एंड चौगट दिस द एंड डिपेड टू बी बॉट द शांत द एंड लिपिका नाउ द एंड कम्प्लीटली द विल बी बॉट द फ्रेडी एंड द सेली वेट द बिहिन द हेयर द एंड दे दिस द एंड प्रोमेटर सन टू बी लिव इन द जॉब Finally, 2 years later, Santa now lived the end, resolved the end, resolved the life in the Shimla, working as the night manager in the and start report hit the end consequently, and the failure the note being the end, able to be saved the Safina and back in the Dhaka. However, the end one day hit the super and the superior the tells him the Sally the along with the hit the end is wished to be end. Coming stay in the resort the few days once the end arrived. Santa collected the strong information from the entrance in the room and mails it the to Lipika over the course of the hit the end Sally. तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को। तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इस वेब सीरीज की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो न्यूज 18 के लिए दिशा शर्मा ने लिखा है अधिकांश श्रृंखलाओं की तरह द नाइट मैनेजर भी तीसरे एपिसोड में गति में गिरावट का गवाह बन जाता है। धीरे धीरे सभी जो है कार्ड बिछा रहा होता है। हालांकि श्रृंखला के अचानक अंत के कारण डुबकी हुई पूरी तरह से शूट नहीं होती है। चौथे एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो आपको हवा में लटकते हुए देखा जा सकता है इस सीरीज के अंदर। इसके बाद दोस्तों डेक्कन क्रॉनिकल के अजीत अंधेरे ने लिखा है किसी कारण से श्रृंखला का केवल जो है पहला भाग जिसमें 4 एपिसोड शामिल किया गया है अगले भाग की घोषणा के साथ जो है जल्द ही जारी किया गया है। हालांकि ये एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि कहानी पहले से काफी सही है। स्क्रॉल इन के लिए नंदिनी रामनाथ ने महसूस किया है कि फिल्म के अंदर और साथ ही साथ दोस्तों तिलोत्तमा शर्मा ने सबसे जो है मूल्यांकन भूमिका इसमें निभाई है और लिखा है जब उसे होने की आवश्यकता होती है तो वह ग्रहणशील जो है साधन संपन्न करता है और दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों निर्दयी सोम की लिपि का एक पूरी तरह से न्याय करने वाला दृश्य चुराने वाला है जो बदनाम रीमेक को वह काट देती है। जब वह गायब हो जाती है तो उसके जो है सुराग जो है आस पास होते हैं। दोस्तों इस श्रृंखला की समीक्षा करते हुए दीप प्रिंट की टीना दास ने लिखा जबकि मूल के साथ जो है तुलना और इसके साथ जो अपरिहार्य है एक भारतीय दर्शकों के अनुरूप जो अनुकूलन अनुभव को कम नहीं करता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक चरित्र के अलावा आपको बतला दे विषय और अतीत के भूतों से निपटने के विषय हर बार जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फैंस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो फैंस अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इसी के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग मुझे कहोगे इसको रिलीज करने के लिए तो मैं यहाँ पे इस सीरीज को कभी भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। और दोस्तों आप मान लो कि मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा और कर भी दिया तो मैं यहाँ पे इस मूवी को जैसे ही अपलोड करूंगा मुझे जो है कंपनी कॉपीराइट दे देगा और मेरे इस चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाएगा। तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ इस मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो कि जॉन ले कोर के इस नाम के उपन्यास पर आधारित जो है ब्रिटिश के ऊपर
टेलीविजन श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 के रीमेक के रूप में ये सीरीज काम करती है। आपको बताया दोस्तों, संतानु सान जो है और उनके अलावा सेनगुप्ता जो भारतीय नौसेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट जो है वर्तमान में थे, जो 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ जो है नरसंहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में एक नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें ये देखने को मिलता है, उनसे 14 साल की शादीशुदा लड़की सफीना किदवैया ने संपर्क किया। किदवई ने संपर्क किया जिसके बाद स्टार होटल के बहुसंख्या शेयर मालिक जो है फ्रेडी रहमान को भारत भागने में मदद करने के लिए उसके मना करने के बाद भी वह उसका फोन चुरा लेती है। और दोस्तों बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली के साथ जो है रोंगटा और उसके जो है फ्रेडी के बीच शान के फोन में एक बैठक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वह जो है कागजी कार्रवाई की तस्वीरें भी लेकर आती है और शान को फोन लौटा देती है इसके बाद, ताकि दोस्तों वह सब कुछ जो है देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी प्राप्त कर सके और सबूत जो है साझा करने के लिए वहां पे ढाका में और भारतीय। इसके बाद दोस्तों भारतीय उच्चायोग के अपने मित्र विक्रम जो है भागवत के पास वो चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है, विक्रम बदले में नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका सेकिया राव को बांग्लादेश के प्रभारी है, जो कि वो सूचना भेजते हैं वहाँ पे सेली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले हुए सबूत अधिकारियों के रूप में उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों वह जो है शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करते हैं, जब तक कि वह अगली दोपहर ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लिए लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने आदमियों के साथ उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेता है। इसके बाद दोस्तों शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है, जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है, जिसकी वजह से अगले दिन जब वह सफीना के लिए खाने लेने के लिए बाहर जाता है, इसके बाद वो देखता है लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है। जैसे ही दोस्तों सफीना पंख से गिरकर मर जाती है, इसके बाद वह वापस आता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहती है कि उसने होटल में हाई प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए थे और पकड़े जाने से डर से वो कूद गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों लिपिका दोनों को जो है तबाह कर देती है ये बात, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी मौत के पीछे थे और ये शान को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीज। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कहानी जरूर देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पूरे 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा होता है, वो एकांत जीवन जी रहा है, एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम भी करता है। दोस्तों ढाका में सफीना को वापस न बचाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान है। इसके बाद हालांकि वह एक दिन उसके जो है वरिष्ठ उसे बताते हैं कि सैली अपने जो है सहयोगियों के साथ कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट से रहने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों उनके आने के बाद शान अपने कमरे के जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वो अपने कमरे में झांकने लगता है और इधर उधर चीजों को उठाकर देखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसके कमरे के कचरे से सारी रिपोर्ट पता चल जाता है। इसके बाद उनके आने के बाद शान अपने कमरे के कचरे को वहाँ पे पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे लिपिका को मेल कर देता है। इसके बाद अपने प्रवास के दौरान सैली की लगातार शान से मुलाकात होती है और वह हर बार वह शान के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों वह अपना कोट भी याद के तौर पर शान को दे देता है और जब वह रिसोर्ट से बाहर निकलता है, इसके बाद अगले दिन शान एक अंदर कवर जो है लिपिका से मिलने आता है, जिसे अब जो है एजेंसी के अभिलेखन धारा अनुभाग के साथ जो है पदावनत कर दिया जाता है।
इसके बाद दोस्तों दोनों सहेली के संधि गेट में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, लेकिन लिपिका और उसके सहकर्मी जो है सरंगा धारा आयोजित की गई एक नाटकीय सेटअप के साथ जो है शान एक अंतर्राष्ट्रीय डिया भगोरे के रूप में सैली के करीब जाने के लिए श्रीलंका पहुंचने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी में हमें देखने को मिलता है लिपिका द्वारा नियोजित किए गए एक नकली अपहरण में वो अपने बेटे ताह को बचाता है। हालांकि इसे और अधिक जो है वास्तविक दिखाने के लिए वह जानबूझकर घायल हो जाता है। शान को देखने और खोजने पर सैली और उसका करीबी जो है ब्रिजपाल उर्फ बीजे दोनों एक अलग जो है उपनाम के साथ एक श्रीलंकाई पासपोर्ट पाते हैं और वह उसके स्वास्थ्यालय के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ लेकर जाने का निर्णय करता है, जिसके बाद दोस्तों नतीजतन शान सैली के गिरोह में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर लेता और उनके बीच जो है अराजकता पैदा करने में सफल होता है। शान को अंत तक ये पता चलता है कि सैली के पास जो है दिवालीपन के कगार पर और उसके साथ एक सौदा करने की उम्मीद के साथ जो है बरगाती हुई एक तेल और बैरन से मिलने के लिए रियाद जाने की योजना बनाता है। इसके बाद दोस्तों उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक भारतीय साथी है जो इंद्रा धनुष के नाम से जाना जाता है और जो सैली के वकील के साथ मिलकर इस कारण जो उपयोग करते हुए लिपिका ने भी बीजे को अपने जो है गिरफ्तार करने के लिए रियाद में एक सेटअप लगाया। इसके बाद दोस्तों समलैंगिकता के साथ जो है समलैंगिकता के तहत जो मध्य पूर्व में प्रतिबंध थे इसके सफल होने के बाद जो है सैली कोई अन्य जो है रास्ता नहीं होने के कारण शान को सीईओ पद जो है प्रदान करती है, जो पहले 30 दिनों के लिए बीजे धारा कब्जा कर लिया गया था और उसे अंदर से बाहर निकालने का इरादा रखते हुए शान खुशी से प्रस्ताव के लिए सहमत भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पूर्व भारतीय नौसेना जो है लेफ्टिनेंट संतानु शान जो है सेना गुप्ता के साथ वर्तमान में 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ दोस्तों नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टार होटल के बहुमत जो है शेयर मालिक की पत्नी सफीना जो है फिदवाई ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद दोस्तों फ्रेडी रहमान उसे भारत जो है भागने में मदद करने के लिए उसको मना करने पर वह उसका फोन चुरा लेती है और बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर सैली और इसके अलावा जो है रुंगटा और फ्रेडी के बीच एक बैठक जो है रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों कागजी कार्रवाई की तस्वीरों में भी काफी जो है कुछ तस्वीरें लिया जाता है और शान को फोन इसके बाद वापस लौटा देती है ताकि दोस्तों वह सब कुछ देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी और सबूत जो है साझा करने के लिए ढाका में भारतीय जो है उच्च योग में जा सके। उच्च योग के अपने जो है मित्र विक्रम जो है भागवत से संपर्क किया जाता है। इसके बाद दोस्तों विक्रम नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका और सैकिया रो जो बांग्लादेश की प्रभारी है उनको सूचना भेजा जाता है और वह सैली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले सबूत जो है आधिकारिक रूप से इसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है और वह शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करती है जब तक कि वह अगली दोपहर तक जो है ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने जो है आदमियों के साथ जो है उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेने लगता है। शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है। अगले दिन दोस्तों जब जो है सफीना के लिए खाना लेने के लिए बाजार जाता है तो वह लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है और जैसे ही सफीना पंख से गिरकर मर जाती है तो वह वापस आ जाता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना जो ये कहते हैं कि उसने होटल में कई यानी कि प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए और पकड़े जाने के डर से वो कूद गई। इसके बाद दोस्तों ये शान जो है देखकर लिपिका और दोनों को जो है तबाह कर देता है ये खबर
और दोस्तों ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़े थे, ये शान को अपनी जो है नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उससे मौत का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेता है। इसके बाद दोस्तों 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा है एक स्टार के साथ। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और ढाका में सफीना को वापस न बचा पाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान भी है। और दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर वेब सीरीज को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संतानु सेन गुप्ता इज द एन फ्रॉम द एंड लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी इज द करंटली एंड वर्किंग इज द नाइट मैनेजर इन द प्राइमर एंड स्टार होटल इन ढाका एन इमाइट द एंड रोहिंग्या एंड गुनेकिन इन 2017 ही इज द एन अप्रोचेड बाय द सफीना एंड क्वाडिया 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल इन मैरिड टू बी द एंड मुजैटी श्री ओनर ऑफ द एन स्टार होटल द फ्रेडी रहमान टू हेल्प हेयर द एन एस्पेक्ट टू इंडिया द ओपन हिज द एन रिफ्यूजल सी हिज द एन स्टिल टू बी हिप द फोन एंड द इंडिस्क्यूटी द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग इन द एन सन इज द फोन द बटवीन द एंड सिलेंडर द सैली एंड रेन गुप्ता in the wrongta in the freddy about the boeing and the sumilen and illegally armed to be in bangladesh she also the takes the picture of the in park work and return the phone to san so that hit the canal view and everything open the scene everything hit the end go to freddy go to friend bikram the bikram bhagwat two of the indian high end commission in dhaka to the sri share the information and the in evidence bikram in the turn send the information to rao officer lipika sekia rao who is the end charge of the bangladesh in new delhi She hid the bin the keeping and tapes on the celly and believed the D and evidence the NC the received from the N Safina and Shan is the enough the two and officially go the after him the C and request Shan to keep the Safina safe for the night till C the arrive in Dhaka. The next the end afternoon the N Manuel bought the Freddy and the Sally come to the now about third the meeting the being the liquid. Sally the asks Freddy to kill Safina. He the along with the him the and search the an entire hotel from here. San takes Safina to new wing the end currently under the end contribution in the hotel. To the end save the keeping the next day and he the goes to the get the food for the Safina. He called the Lipika to the end inquiry about here the current the end where put the however the Lipika and realized the here the phone has the been the end budget and ordered the son to hurry the back to Safina. He the come to and back the just the Safina and fell to the hard date from Windy here the end did hit the end role in the end suicide by the local police the who the end with the NC hotel and the jewelry from the end high profile and guest in the hotel and the jump is the as the end with the end chagod this the end depicted to be bought the Santa and Lipika now the end completely the will be bought the Freddy and the Sally with the behind the here the end that this the end promoted son to be live in the job. Finally 2 years later Santa now lived the end resolved the and resolved the life in the Shimla working as the night manager in the and start report he the and consequently and the failure the note being the and able to be saved the Safina and back in the Dhaka however the in one day he the superhand the superior the tells him the Sally the along with the he the and is wished to be and coming stay in the resort the few days once the end arrive Santa collected the strong information from the entrance hit the room and mails it the to Lipika over the course of the hit the end Sally. तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को। तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इस वेब सीरीज की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें
तो न्यूज 18 के लिए दिशा शर्मा ने लिखा है, अधिकांश श्रृंखलाओं की तरह द नाइट मैनेजर भी तीसरे एपिसोड में गति में गिरावट का गवाह बन जाता है। धीरे धीरे सभी जो है कार्ड बिछा रहा होता है। हालांकि श्रृंखला के अचानक अंत के कारण डुबकी हुई पूरी तरह से शूट नहीं होती है। चौथे एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो आपको हवा में लटकते हुए देखा जा सकता है इस सीरीज के अंदर। इसके बाद दोस्तों डेक्कन क्रॉनिकल के अजीत अंधेरे ने लिखा है, किसी कारण से श्रृंखला का केवल जो है पहला भाग जिसमें 4 एपिसोड शामिल किया गया है, अगले भाग की घोषणा के साथ जो है जल्द ही जारी किया गया है। हालांकि ये एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि कहानी पहले से काफी सही है। स्क्रॉल इन के लिए नंदिनी रामनाथ ने महसूस किया है कि फिल्म के अंदर, और साथ ही साथ दोस्तों तिलोत्तमा शर्मा ने सबसे जो है मूल्यांकन भूमिका इसमें निभाई है और लिखा है, जब उसे होने की आवश्यकता होती है तो वह ग्रहणशील जो है साधन संपन्न करता है और दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों निर्दयी सोम की लिपि का एक पूरी तरह से न्याय करने वाला दृश्य चुराने वाला है, जो बदनाम रीमेक को वह काट देती है। जब वह गायब हो जाती है तो उसके जो है सुराग जो है आसपास होते हैं। दोस्तों इस श्रृंखला की समीक्षा करते हुए दीप प्रिंट की टीना दास ने लिखा, जबकि मूल के साथ जो है तुलना और इसके साथ जो अपरिहार्य है, एक भारतीय दर्शकों के अनुरूप जो अनुकूलन अनुभव को कम नहीं करता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक चरित्र के अलावा आपको बतला दे विषय और अतीत के भूतों से निपटने के विषय हर बार जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फैंस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो फैंस अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इसी के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग मुझे कहोगे इसको रिलीज करने के लिए तो मैं यहाँ पे इस सीरीज को कभी भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। और दोस्तों आप मान लो कि मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा और कर भी दिया तो मैं यहाँ पे इस मूवी को जैसे अपलोड करूंगा मुझे जो है कंपनी कॉपीराइट दे देगा और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ इस मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है, जो कि जॉन ले कोर के इस नाम के उपन्यास पर आधारित जो है ब्रिटिश के ऊपर टेलीविजन श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 के रिमेक के रूप में ये सीरीज काम करती है। आपको बताएं दोस्तों संतानु सान जो है और उनके अलावा सेनगुप्ता जो भारतीय नौसेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट जो है वर्तमान में थे, जो 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ जो है नरसंहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में एक नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें ये देखने को मिलता है उनसे 14 साल की शादीशुदा लड़की सफीना किदवैया ने संपर्क किया जिसके बाद स्टार होटल के बहुसंख्या शेयर मालिक जो है फ्रेडी रहमान को भारत भागने में मदद करने के लिए उसके मना करने के बाद भी वह उसका फोन चुरा लेती है। और दोस्तों बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली के साथ जो है रोंगटा और उसके जो है फ्रेडी के बीच शान के फोन में एक बैठक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वह जो है कागजी कार्रवाई की तस्वीरें भी लेकर आती है और शान को फोन लौटा देती है इसके बाद, ताकि दोस्तों वह सब कुछ जो है देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी प्राप्त कर सके और सबूत जो है साझा करने के लिए वहां पे ढाका में और भारतीय उच्चायोग के अपने
मित्र विक्रम जो है भागवत के पास वो चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है, विक्रम बदले में नई दिल्ली में रॉ अधिकारी जो है लिपिका सेकिया राव को बांग्लादेश के प्रभारी है, जो कि वो सूचना भेजते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सेली पर नज़र रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले हुए सबूत अधिकारियों के रूप में उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों वह जो है शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करते हैं, जब तक कि वह अगली दोपहर ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लिए लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने आदमियों के साथ उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेता है। इसके बाद दोस्तों शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है, जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है, जिसकी वजह से अगले दिन जब वह सफीना के लिए खाने लेने के लिए बाहर जाता है, इसके बाद वो देखता है लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है। जैसे ही दोस्तों सफीना पंख से गिरकर मर जाती है, इसके बाद वह वापस आता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहती है कि उसने होटल में हाई प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए थे और पकड़े जाने से डर से वो कूद गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों लिपिका दोनों को जो है तबाह कर देती है ये बात, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी मौत के पीछे थे, और ये शान को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीज। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कहानी जरूर देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पूरे 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा होता है, वो एकांत जीवन जी रहा है। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम भी करता है। दोस्तों ढाका में सफीना को वापस न बचाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान है। इसके बाद हालांकि वह एक दिन उसके जो है वरिष्ठ उसे बताते हैं कि सैली अपने जो है सहयोगियों के साथ कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट से रहने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों उनके आने के बाद शान अपने कमरे के जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वो अपने कमरे में झांकने लगता है और इधर उधर चीजों को उठाकर देखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसके कमरे के कचरे से सारी रिपोर्ट पता चल जाता है। इसके बाद उनके आने के बाद शान अपने कमरे के कचरे को वहाँ पे पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे लिपिका को मेल कर देता है। इसके बाद अपने प्रवास के दौरान सैली की लगातार शान से मुलाकात होती है और वह हर बार वह शान के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों वह अपना कोट भी याद के तौर पर शान को दे देता है और जब वह रिसोर्ट से बाहर निकलता है, इसके बाद अगले दिन शान एक अंदर कवर जो है लिपिका से मिलने आता है, जिसे अब जो है एजेंसी के अभिलेखन धारा अनुभाग के साथ जो है पदावनत कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दोनों सैली के सिंडिकेट में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, लेकिन लिपिका और उसके सहकर्मी जो है सरंगा धारा आयोजित की गई एक नाटकीय सेटअप के साथ जो है शान एक अंतर्राष्ट्रीय भगोरे के रूप में सैली के करीब जाने के लिए श्रीलंका पहुंचने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी में हमें देखने को मिलता है लिपिका द्वारा नियोजित किए गए एक नकली अपहरण में वो अपने बेटे ताहा को बचाता है। हालांकि इसे और अधिक जो है वास्तविक दिखाने के लिए वह जानबूझकर घायल हो जाता है। शान को देखने और खोजने पर सैली और उसका करीबी जो है ब्रिजपाल उर्फ बीजे दोनों एक अलग जो है उपनाम के साथ एक श्रीलंकाई पासपोर्ट पाते हैं और वह उसके स्वास्थ्यालय के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ लेकर जाने का निर्णय करता है, जिसके बाद दोस्तों नतीजतन शान सैली के गिरोह में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर लेता है और उनके बीच जो है अराजकता पैदा करने में सफल होता है। शान को अंत तक ये पता चलता है कि सैली
सहेली के पास जो है दिवालियेपन के कगार पर और उसके साथ एक सौदा करने की उम्मीद के साथ जो है बरगाती हुई एक तेल और बैरन से मिलने के लिए रियाद जाने की योजना बनाता है। इसके बाद दोस्तों उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक भारतीय साथी है जो इंद्रा धनुष के नाम से जाना जाता है और जो सहेली के वकील के साथ मिलकर इस कारण जो उपयोग करते हुए लिपिका ने भी विजय को अपने जो है गिरफ्तार करने के लिए रियाद में एक सेटअप लगाया। इसके बाद दोस्तों समलैंगिकता के साथ जो है समलैंगिकता के तहत जो मध्य पूर्व में प्रतिबंध थे इसके सफल होने के बाद जो है सेली कोई अन्य जो है रास्ता नहीं होने के कारण शान को सीईओ पद जो है प्रदान करती है जो पहले 30 दिनों के लिए विजय द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उसे अंदर से बाहर निकालने का इरादा रखते हुए शान खुशी से प्रस्ताव के लिए सहमत भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पूर्व भारतीय नौसेना जो है लेफ्टिनेंट संतानु शान जो है सेना गुप्ता के साथ वर्तमान में 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ दोस्तों नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टार होटल के बहुमत जो है शेयर मालिक की पत्नी सफीना जो है फिदवाई ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद दोस्तों फ्रेडी रहमान उसे भारत जो है भागने में मदद करने के लिए उसको मना करने पर वह उसका फोन चुरा लेती है और बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर सेली और इसके अलावा जो है रुंगटा और फ्रेडी के बीच एक बैठक जो है रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों कागजी कार्रवाई की तस्वीरों में भी काफी जो है कुछ तस्वीरें लिया जाता है और शान को फोन इसके बाद वापस लौटा देती है ताकि दोस्तों वह सब कुछ देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी और सबूत जो है साझा करने के लिए ढाका में भारतीय जो है उच्च योग में जा सके। उच्च योग के अपने जो है मित्र विक्रम जो है भागवत से संपर्क किया जाता है। इसके बाद दोस्तों विक्रम नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका और सैकिया रो जो बांग्लादेश की प्रभारी है उनको सूचना भेजा जाता है और वह सेली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले सबूत जो है आधिकारिक रूप से उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है और वह शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करती है जब तक कि वह अगली दोपहर तक जो ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सेली दोनों को अपनी बैठक के लीक होने के बारे में पता चलता है और सेली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वो अपने जो है आदमियों के साथ जो है उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेने लगता है। शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है। अगले दिन दोस्तों जब जो है सफीना के लिए खाना लेने के लिए बाजार जाता है तो वह लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है और जैसे ही सफीना पंख से गिरकर मर जाती है तो वह वापस आ जाता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना जो ये कहते हैं कि उसने होटल में कई यानी कि प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए और पकड़े जाने के डर से वो कूद गई। इसके बाद दोस्तों ये शान जो है देखकर लिपिका और दोनों को जो है तबाह कर देता ये खबर और दोस्तों ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सेली दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़े थे ये शान को अपनी जो है नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उससे मौत का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेता है। इसके बाद दोस्तों 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा है। एक स्टार के साथ एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और ढाका में सफीना को वापस न बचा पाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान भी है। और दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर वेब सीरीज को तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संतानु सेन गुप्ता इज द एन फ्रॉम द एंड लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी इज द करंटली एंड वर्किंग इज द नाइट मैनेजर इन द प्रीमियर एंड स्टार होटल इन ढाका एन इमेज द एंड रोहिंग्या एंड गुनेकिन इन 2017 ही इज द एन अप्रोचेड बाय द सफीना एंड क्वाडिया 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल इन मैरिज टू बी द एंड मुजाटी श्री ओनर ऑफ द एन स्टार होटल द फ्रेडी
रहमान टू हेल्प हेयर द एन एस्पेक्ट टू इंडिया द ओपन हिज द एन रिफ्यूजल सी हिज द एन स्टिल टू बी हिप द फोन एंड द इंडिस्क्यूटी द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग इन द एन सन इज द फोन द बटवीन द एंड सिलेंडर द सेली एंड रेन गुप्ता in the Rongta in the Freddy about the Boeing and the Sumilen and illegally armed to be in Bangladesh she also the takes the picture of the in park work and returned the phone to San so Ted hit the canal view and everything opened the scene everything hit the end go to Freddy go to friend Vikram Bhagwat two of the Indian High End Commission in Dhaka to the Sri shared the information and the in evidence Vikram in the turn sent the information to Rao officer Lipika Sekia Rao who is the end charge of the Bangladesh in New Delhi She hid the bin the keeping and tapes on the celly and believed the D and evidence the NC the received from the N Safina and Shan is the enough the two and officially go the after him the C and request Shan to keep the Safina safe for the night till see the arrive in Dhaka. The next the end afternoon the N Manuel bought the Freddy and the Sally come to the now about third the meeting the being the liquid. Sally the asks Freddy to kill Safina. He the along with the him the and search the an entire hotel from here. San takes Safina to new win the end currently under the end contribution in the hotel to the end save the keeping the next day and he the goes to the get the food for the Safina. He called the Lipika to the end inquiry about here the current the end where put the however the Lipika and realized the here the phone. Has the been the end budget and ordered the son to hurry the back to Safina. He the come to and back the just the Safina and fell to the hard date from. When they hear the end date hit the end role in the end suicide the by the local police the who the end with the NC hotel and the jewelry from the end high profile and guest in the hotel and the jump is the as the end with the end chagod. This the end. Depared to be both the Santa and Lipika, now the end completely the will be both the Freddy and the Sally, where the behind the here the end, they did the end, permitted the son to be live in the job. Finally, 2 years later, Santa now lived the end, resolved the end, resolved the life in the Simla, working as the night manager in the and start report hit the end constantly. And the failure the note being the end able to be save the Safina and back in the Dhaka. However, the end one day hit the super and the superior the tells him the Sally the along with the hit the end is wished to be and coming stay in the restored the few days once the end arrive. San the collected the strong information from the entrance hit the room and mails it is the to Lipika over the course of the hit the end Sally. तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को। तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इस वेब सीरीज की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो न्यूज 18 के लिए दिशा शर्मा ने लिखा है अधिकांश श्रृंखलाओं की तरह द नाइट मैनेजर भी तीसरे एपिसोड में गति में गिरावट का गवाह बन जाता है। धीरे धीरे सभी जो है कार्ड बिछा रहा होता है हालांकि श्रृंखला के अचानक अंत के कारण डुबकी हुई पूरी तरह से शूट नहीं होती है। चौथे एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो आपको हवा में लटकते हुए देखा जा सकता है इस सीरीज के अंदर। इसके बाद दोस्तों डेक्कन क्रॉनिकल के अजीत अंधेरे ने लिखा है किसी कारण से श्रृंखला का केवल जो है पहला भाग जिसमें 4 एपिसोड शामिल किया गया है अगले भाग की घोषणा के साथ जो है जल्द ही जारी किया गया है। हालांकि ये एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि कहानी पहले से काफी सही है। स्क्रॉल इन के लिए नंदिनी रामनाथ ने महसूस किया है कि फिल्म के अंदर और साथ ही साथ दोस्तों तिलोत्तम शर्मा ने सबसे जो है मूल्यांकन
भूमिका इसमें निभाई है और लिखा है जब उसे होने की आवश्यकता होती है तो वह ग्रहणशील जो है साधन संपन्न करता है और दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों निर्दयी सोम की लिपि का एक पूरी तरह से न्याय करने वाला दृश्य चुराने वाला है जो बदनाम रीमेक को वह काट देती है। जब वह गायब हो जाती है तो उसके जो है सुराग जो है आसपास होते हैं। दोस्तों इस श्रृंखला की समीक्षा करते हुए दीप प्रिंट की टीना दास ने लिखा, जबकि मूल के साथ जो है तुलना और इसके साथ जो अपरिहार्य है, एक भारतीय दर्शकों के अनुरूप जो अनुकूलन अनुभव को कम नहीं करता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक चरित्र के अलावा आपको बतला दे विषय और अतीत के भूतों से निपटने के विषय हर बार जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो फैंस अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इसी के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग मुझे कहोगे इसको रिलीज करने के लिए तो मैं यहाँ पे इस सीरीज को कभी भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। और दोस्तों आप मान लो कि मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा और कर भी दिया तो मैं यहाँ पे इस मूवी को जैसे ही अपलोड करूंगा मुझे जो है कंपनी कॉपीराइट दे देगा और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ इस मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो कि जॉन ले कोर के इस नाम के उपन्यास पर आधारित जो है ब्रिटिश के ऊपर टेलीविजन श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 के रिमेक के रूप में ये सीरीज काम करती है। आपको बताएं दोस्तों संतानु सान जो है और उनके अलावा सेनगुप्ता जो भारतीय नौसेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट जो है वर्तमान में थे, जो 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ जो है नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में एक नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें ये देखने को मिलता है उनसे 14 साल की शादीशुदा लड़की सफीना किदवैया ने संपर्क किया जिसके बाद स्टार होटल के बहुसंख्या शेयर मालिक जो है फ्रेडी रहमान को भारत भागने में मदद करने के लिए उसके मना करने के बाद भी वह उसका फोन चुरा लेती है। और दोस्तों बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली के साथ जो है रोंगटा और उसके जो है फ्रेडी के बीच शान के फोन में एक बैठक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वह जो है कागजी कार्रवाई की तस्वीरें भी लेकर आती है और शान को फोन लौटा देती है इसके बाद, ताकि दोस्तों वह सब कुछ जो है देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी प्राप्त कर सके और सबूत जो है साझा करने के लिए वहां पे ढाका में और भारतीय इसके बाद दोस्तों भारतीय उच्चायोग के अपने मित्र विक्रम जो है भागवत के पास वो चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है विक्रम बदले में नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका सेकिया राव को बांग्लादेश के प्रभारी है जो कि वो सूचना भेजते हैं वहाँ पे सेली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले हुए सबूत अधिकारियों के रूप में उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों वह जो है शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करते हैं जब तक कि वह अगली दोपहर ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लिए लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने आदमियों के साथ उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेता है। इसके बाद दोस्तों शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है
जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है, जिसकी वजह से अगले दिन जब वह सफीना के लिए खाने लेने के लिए बाहर जाता है, इसके बाद वो देखता है लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फ़ोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है। जैसे ही दोस्तों सफीना पंख से गिरकर मर जाती है, इसके बाद वह वापस आता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहती है कि उसने होटल में हाई प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए थे और पकड़े जाने से डर से वो कूद गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों लिपिका दोनों को जो है तबाह कर देती है ये बात, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी मौत के पीछे थे और ये शान को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीज। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कहानी जरूर देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पूरे 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा होता है। वो एकांत जीवन जी रहा है, एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम भी करता है। दोस्तों ढाका में सफीना को वापस न बचाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान है। इसके बाद हालांकि वह एक दिन उसके जो है वरिष्ठ उसे बताते हैं कि सैली अपने जो है सहयोगियों के साथ कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट से रहने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों उनके आने के बाद शान अपने कमरे के जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वो अपने कमरे में झांकने लगता है और इधर उधर चीजों को उठाकर देखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसके कमरे के कचरे से सारी रिपोर्ट पता चल जाता है। इसके बाद उनके आने के बाद शान अपने कमरे के कचरे को वहाँ पे पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे लिपिका को मेल कर देता है। इसके बाद अपने प्रवास के दौरान सैली की लगातार शान से मुलाकात होती है और वह हर बार वह शान के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों वह अपना कोट भी याद के तौर पर शान को दे देता है और जब वह रिसोर्ट से बाहर निकलता है, इसके बाद अगले दिन शान एक अंदर कवर जो है लिपिका से मिलने आता है, जिसे अब जो है एजेंसी के अभिलेखन धारा अनुभाग के साथ जो है पदावनत कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दोनों सैली के सिंडिकेट में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, लेकिन लिपिका और उसके सहकर्मी जो है सरंगा धारा आयोजित की गई एक नाटकीय सेटअप के साथ जो है शान एक अंतर्राष्ट्रीय भगोरे के रूप में सैली के करीब जाने के लिए श्रीलंका पहुंचने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी में हमें देखने को मिलता है लिपिका द्वारा नियोजित किए गए एक नकली अपहरण में वो अपने बेटे ताहा को बचाता है। हालांकि इसे और अधिक जो है वास्तविक दिखाने के लिए वह जानबूझकर घायल हो जाता है। शान को देखने और खोजने पर सैली और उसका करीबी जो है ब्रिजपाल उर्फ बीजे दोनों एक अलग जो है उपनाम के साथ एक श्रीलंकाई पासपोर्ट पाते हैं और वह उसके स्वास्थ्यालय के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ लेकर जाने का निर्णय करता है, जिसके बाद दोस्तों नतीजतन शान सैली के गिरोह में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर लेता है और उनके बीच जो है अराजकता पैदा करने में सफल होता है। शान को अंत तक ये पता चलता है कि सैली के पास जो है दिवालियेपन के कगार पर और उसके साथ एक सौदा करने की उम्मीद के साथ जो है बरगाती हुई एक तेल और बैरन से मिलने के लिए रियाद जाने की योजना बनाता है। इसके बाद दोस्तों उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक भारतीय साथी है जो इंद्रा धनुष के नाम से जाना जाता है और जो सैली के वकील के साथ मिलकर इस कारण जो उपयोग करते हुए लिपिका ने भी बीजे को अपने जो है गिरफ्तार करने के लिए रियाद में एक सेटअप लगाया। इसके बाद दोस्तों समलैंगिकता के साथ जो है समलैंगिकता के तहत जो मध्य पूर्व में प्रतिबंध थे, इसके सफल होने के बाद जो है सैली कोई अन्य जो है रास्ता नहीं होने के कारण शान को सीईओ पद जो है प्रदान करती है, जो पहले 30 दिनों के लिए बीजे धारा कब्जा कर लिया गया था और उसे अंदर से बाहर निकालने का इरादा रखते हुए शान खुशी से प्रस्ताव के लिए सहमत भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पूर्व भारतीय नौसेना जो है लेफ्टिनेंट 97 शान जो है सेना गुप्ता के साथ वर्तमान में 2017 में
रोहिंग्या और साथ ही साथ दोस्तों नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टार होटल के बहुमत जो है शेयर मालिक की पत्नी सफीना जो है फिदवाई ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद दोस्तों फ्रेडी रहमान उसे भारत जो है भागने में मदद करने के लिए उसको मना करने पर वह उसका फ़ोन चुरा लेती है और बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर सेली और इसके अलावा जो है रूंगटा और फ्रेडी के बीच एक बैठक जो है रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों कागजी कार्रवाई की तस्वीरों में भी काफ़ी जो है कुछ तस्वीरें लिया जाता है और शान को फ़ोन इसके बाद वापस लौटा देती है ताकि दोस्तों वह सब कुछ देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी और सबूत जो है साझा करने के लिए ढाका में भारतीय जो है उच्च योग में जा सके। उच्च योग के अपने जो है मित्र विक्रम जो है भागवत से संपर्क किया जाता है। इसके बाद दोस्तों विक्रम नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका और सैकिया रो जो बांग्लादेश की प्रभारी है उनको सूचना भेजा जाता है और वह सेली पर नज़र रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले सबूत जो है आधिकारिक रूप से उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है और वह शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करती है जब तक कि वह अगली दोपहर तक जो ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सेली दोनों को अपनी बैठक के लीक होने के बारे में पता चलता है और सेली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वो अपने जो है आदमियों के साथ जो है उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेने लगता है। शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है। अगले दिन दोस्तों जब जो है सफीना के लिए खाना लेने के लिए बाजार जाता है तो वह लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फ़ोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है और जैसे ही सफीना पंख से गिरकर मर जाती है तो वह वापस आ जाता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना जो ये कहते हैं कि उसने होटल में कई यानी कि प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए और पकड़े जाने के डर से वो कूद गई। इसके बाद दोस्तों ये शान जो है देखकर लिपिका और दोनों को जो है तबाह कर देता है ये खबर और दोस्तों ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़े थे ये शान को अपनी जो है नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उससे मौत का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेता है। इसके बाद दोस्तों दो साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा है। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और ढाका में सफीना को वापस न बचा पाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान भी है। और दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर वेब सीरीज को तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। संतानु सेन गुप्ता इज द एन फ्रॉम द एंड लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी इज द करंटली इन वर्किंग इज द नाइट मैनेजर इन द प्रीमियर एंड स्टार होटल इन ढाका एन इमेज द एंड रोहिंग्या एन गुनेकिन इन 2017 ही इज द एन अप्रोचेड बाय द सफीना एन क्वाडिया 14 ईयर्स ओल्डर गर्ल इन मैरिज टू बी द एंड मुजैटी श्री ओनर ऑफ द एन स्टार होटल द फ्रेडी रहमान टू हेल्प हेयर द एन एस्पेक्ट टू इंडिया द ओपन हिज द एन रिफ्यूजल सी हिज द एन स्टिल टू बी हिप द फोन एंड डिस्क्यूटी द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग इन द एन सन इज द फोन द बिटवीन द एंड सिलेंडर द सेली एंड रेन गुप्ता रेन द रोंगटा एंड द फ्रेडी अबाउट द बोइंग एंड द सुमिलेन एन इलीगली अराम टू बी इन बांग्लादेश सी ऑल्सो द टेकेज द पिक्चर ऑफ द एन पार्क वर्क and returned the phone to San. So Ted hit the canal view and everything opened the scene. Everything hit the end go to friend Bikram the Bikram Bhagwat two of the Indian High End Commission in Dhaka to the Sri shared the information and the in evidence. Bikram in the turn sent the information to Rao officer. Lipika Sekia Rao who is the and charge of the Bangladesh in New Delhi.
सी हिज द बिन द कीपिंग एंड टैप्स ऑन द सेली एंड ब्लेबेज द डी एंड एविडेंस एविडेंस द एन सी द रिसीवेड फ्रॉम द एन सफीना इंसान इज द इनुक द टू एन ऑफिसली गो द आफ्टर हिम द सी इन रिक्वेस्ट सान टू कीप द सफीना सेफ फॉर द नाइट टेल सी द अरेफ इन ढाका द नेक्स्ट द एंड आफ्टरनून द एन मनविल बट द फ्रेडी एंड द सैली कम टू द नाउ अबाउट थेयर द मीटिंग द बिंग द लिकेड सैली द आस्क्स फ्रेडी टू किल सफीना ही द अलॉन्ग विद द हिम द एंड सर्च द एन एंटायर होटल फ्रॉम हेयर सान टेक्स सफीना टू न्यू विन द एंड करंटली अंडर द एंड कंट्रीब्यूशन इन द होटल टू द एंड सेव द कीपिंग द नेक्स्ट डे एंड ही द गोज टू द गेट द फूड फॉर द सफीना ही कॉल द लिपिका टू द एंड इंक्वायरी अबाउट हेयर द करंट द एंड करंट द एंड हुअर पुट द हाउ एवर द लिपिका एंड रियलाइज द हेयर द फोन हैज द बीन द एंड बजेट एंड ऑर्डर द सान टू हैरी द बैक टू सफीना ही द कम टू एंड बैक द जस्ट द सफीना एंड फेल टू द हार्ट डेट फ्रॉम Windy here the end date is the end role in the end suicide the while the by the local police the who the end with the NC hotel and the jewelry from the end high profile and guest in the hotel and the jump is the as the end with the end chowgod this the end depicted to be bought the sun the and Lipika now the end completely the will be bought the Freddy and the Sally with the behind the here the end date is the end permitted the sun to be live in the job. Finally, 2 years later, Santa now leave the end, resolved the end, resolved the life in the Shimla, working as the night manager in the and start report hit the end consequently, and the failure the not being the end able to be save the Safina and back in the Dhaka. However, the end one day hit the super and the superior the tells him the Sally the along with the hit the end is wished to be end. Coming stay in the resort the few days once the end arrived. San the collected the strong information from the entrance hit the room and meals it is the two Lipika over the course of the hit the end Sally. तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को। तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इस वेब सीरीज की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो News18 के लिए दिशा शर्मा ने लिखा है अधिकांश श्रृंखलाओं की तरह द नाइट मैनेजर भी तीसरे एपिसोड में गति में गिरावट का गवाह बन जाता है। धीरे धीरे सभी जो है कार्ड बिछा रहा होता है। हालांकि श्रृंखला के अचानक अंत के कारण डुबकी हुई पूरी तरह से शूट नहीं होती है। चौथे एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो आपको हवा में लटकते हुए देखा जा सकता है इस सीरीज के अंदर। इसके बाद दोस्तों डेक्कन क्रॉनिकल के अजीत अंधेरे ने लिखा है किसी कारण से श्रृंखला का केवल जो है पहला भाग जिसमें 4 एपिसोड शामिल किया गया है अगले भाग की घोषणा के साथ जो है जल्द ही जारी किया गया है। हालांकि ये एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि कहानी पहले से काफ़ी सही है। स्क्रॉल इन के लिए नंदिनी रामनाथ ने महसूस किया है कि फिल्म के अंदर और साथ ही साथ दोस्तों तिलोत्तमा शर्मा ने सबसे जो है मूल्यांकन भूमिका इसमें निभाई है और लिखा है जब उसे होने की आवश्यकता होती है तो वह ग्रहणशील जो है साधन संपन्न करता है और दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों निर्दयी सोम की लिपि का एक पूरी तरह से न्याय करने वाला दृश्य चुराने वाला है जो बदनाम रीमेक को वह काट देती है। जब वह गायब हो जाती है तो उसके जो है सुराग जो है आसपास होते हैं। दोस्तों इस श्रृंखला की समीक्षा करते हुए दीप प्रिंट की टीना दास ने लिखा जबकि मूल के साथ जो है तुलना और इसके साथ जो अपरिहार्य है एक भारतीय दर्शकों के अनुरूप जो अनुकूलन अनुभव को कम नहीं करता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक चरित्र के अलावा आपको बतला दे विषय और अतीत के भूतों से निपटने के विषय हर बार जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं।
तो फैंस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों, इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो फैंस, अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इसी के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग मुझे कहोगे इसको रिलीज करने के लिए, तो मैं यहाँ पे इस सीरीज को कभी भी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। और दोस्तों आप मान लो कि मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, और कर भी दिया तो मैं यहाँ पे इस मूवी को जैसे ही अपलोड करूंगा, मुझे जो है कंपनी कॉपीराइट दे देगा और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाएगा। तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ इस मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे, द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है, जो कि जॉन ले कॉर्के इस नाम के उपन्यास पर आधारित जो है ब्रिटिश के ऊपर टेलीविजन श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 के रिमेक के रूप में ये सीरीज काम करती है। आपको बताएं दोस्तों, संतानु शान जो है और उनके अलावा सेन गुप्ता जो भारतीय नौसेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट जो है वर्तमान में थे, जो 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ जो है नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में एक नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें ये देखने को मिलता है, उनसे 14 साल की शादीशुदा लड़की सफीना किदवैया ने संपर्क किया जिसके बाद स्टार होटल के बहुसंख्या शेयर मालिक जो है फ्रेडी रहमान को भारत भागने में मदद करने के लिए उसके मना करने के बाद भी वह उसका फोन चुरा लेती है। और दोस्तों बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली के साथ जो है रोंगटा और उसके जो है फ्रेडी के बीच शान के फोन में एक बैठक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वह जो है कागजी कार्रवाई की तस्वीरें भी लेकर आती है और शान को फोन लौटा देती है इसके बाद, ताकि दोस्तों वह सब कुछ जो है देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी प्राप्त कर सके और सबूत जो है साझा करने के लिए वहां पे ढाका में और भारतीय इसके बाद दोस्तों भारतीय उच्चायोग के अपने मित्र विक्रम जो है भागवत के पास वो चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है, विक्रम बदले में नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका सेकिया राव को बांग्लादेश के प्रभारी है, जो कि वो सूचना भेजते हैं वहाँ पे सेली पर नज़र रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले हुए सबूत अधिकारियों के रूप में उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों वह जो है शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करते हैं, जब तक कि वह अगली दोपहर ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लिए लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने आदमियों के साथ उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेता है। इसके बाद दोस्तों शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है, जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है, जिसकी वजह से अगले दिन जब वह सफीना के लिए खाने लेने के लिए बाहर जाता है, इसके बाद वो देखता है लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है। जैसे ही दोस्तों सफीना पंख से गिरकर मर जाती है, इसके बाद वह वापस आता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहती है कि उसने होटल में हाई प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए थे और पकड़े जाने से डर से वो कूद गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों लिपिका दोनों को जो है तबाह कर देती है ये बात, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी मौत के पीछे थे और ये शान को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीज। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कहानी जरूर देखने को मिलता है,
ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे अभी देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पूरे दो साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा होता है, वो एकांत जीवन जी रहा है। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम भी करता है। दोस्तों ढाका में सफीना को वापस न बचाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान है। इसके बाद हालांकि वह एक दिन उसके जो है वरिष्ठ उसे बताते हैं कि शैली अपने जो है सहयोगियों के साथ कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट से रहने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों उनके आने के बाद शान अपने कमरे के जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वो अपने कमरे में झांकने लगता है और इधर उधर चीजों को उठाकर देखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसके कमरे के कचरे से सारी रिपोर्ट पता चल जाता है। इसके बाद उनके आने के बाद शान अपने कमरे के कचरे को वहाँ पे पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे लिपिका को मेल कर देता है। इसके बाद अपने प्रवास के दौरान शैली की लगातार शान से मुलाकात होती है और वह हर बार वह शान के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों वह अपना कोट भी याद के तौर पर शान को दे देता है और जब वह रिसोर्ट से बाहर निकलता है इसके बाद अगले दिन शान एक अंदर कवर जो है लिपिका से मिलने आता है, जिसे अब जो है एजेंसी के अभिलेखन धारा अनुभाग में अनुभाग के साथ जो है पदावनत कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दोनों शैली के सिंडिकेट में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, लेकिन लिपिका और उसके सहकर्मी जो है सरंगा धारा आयोजित की गई एक नाटकीय सेटअप के साथ जो है शान एक अंतर्राष्ट्रीय भगोरे के रूप में शैली के करीब जाने के लिए श्रीलंका पहुंचने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी में हमें देखने को मिलता है लिपिका द्वारा नियोजित किए गए एक नकली अपहरण में वो अपने बेटे ताहा को बचाता है। हालांकि इसे और अधिक जो है वास्तविक दिखाने के लिए वह जानबूझकर घायल हो जाता है। शान को देखने और खोजने पर शैली और उसका करीबी जो है ब्रिजपाल उर्फ बीजे दोनों एक अलग जो है उपनाम के साथ एक श्रीलंकाई पासपोर्ट पाते हैं और वह उसके स्वास्थ्यालय के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ लेकर जाने का निर्णय करता है, जिसके बाद दोस्तों नतीजतन शान शैली के गिरोह में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर लेता है और उनके बीच जो है अराजकता पैदा करने में सफल होता है। शान को अंत तक ये पता चलता है कि शैली के पास जो है दिवालीपन के कगार पर और उसके साथ एक सौदा करने की उम्मीद के साथ जो है बरगाती हुई एक तेल और बैरन से मिलने के लिए रियाद जाने की योजना बनाता है। इसके बाद दोस्तों उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक भारतीय साथी है जो इंद्रा धनुष के नाम से जाना जाता है और जो शैली के वकील के साथ मिलकर इस कारण जो उपयोग करते हुए लिपिका ने भी बीजे को अपने जो है गिरफ्तार करने के लिए रियाद में एक सेटअप लगाया। इसके बाद दोस्तों समलैंगिकता के साथ जो है समलैंगिकता के तहत जो मध्य पूर्व में प्रतिबंध थे इसके सफल होने के बाद जो है शैली कोई अन्य जो है रास्ता नहीं होने के कारण शान को सीईओ पद जो है प्रदान करती है, जो पहले 30 दिनों के लिए बीजे द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उसे अंदर से बाहर निकालने का इरादा रखते हुए शान खुशी से प्रस्ताव के लिए सहमत भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पूर्व भारतीय नौसेना जो है लेफ्टिनेंट संतानु शान जो है सेना गुप्ता के साथ वर्तमान में 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ दोस्तों नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टार होटल के बहुमत जो है शेयर मालिक की पत्नी सफीना जो है फिदवाई ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद दोस्तों फ्रेडी रहमान उसे भारत जो है भागने में मदद करने के लिए उसको मना करने पर वह उसका फोन चुरा लेती है और बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली और इसके अलावा जो है रोंगटा और फ्रेडी के बीच एक बैठक जो है रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों कागजी कार्रवाई की तस्वीरों में भी काफी जो है कुछ तस्वीरें लिया जाता है और शान को फोन इसके बाद वापस लौटा देती है ताकि दोस्तों वह सब कुछ देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी और सबूत जो है साझा करने के लिए ढाका में भारतीय जो है उच्च योग में जा सके। उच्च योग के अपने जो है मित्र विक्रम जो है भागवत से संपर्क किया जाता है। इसके बाद दोस्तों विक्रम नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका और सैकिया रो जो बांग्लादेश की प्रभारी है
उनको सूचना भेजा जाता है और वह सेली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले सबूत जो है आधिकारिक रूप से उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है और वह शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करती है जब तक कि वह अगली दोपहर तक जो ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वो अपने जो है आदमियों के साथ जो है उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेने लगता है। शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है। अगले दिन दोस्तों जब जो है सफीना के लिए खाना लेने के लिए बाजार जाता है तो वह लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है और जैसे ही सफीना पंख से गिरकर मर जाती है तो वह वापस आ जाता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना जो ये कहते हैं कि उसने होटल में कई यानी कि प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए और पकड़े जाने के डर से वो कूद गई। इसके बाद दोस्तों ये शान जो है देखकर लिपिका और दोनों को जो है तबाह कर देता ये खबर। और दोस्तों ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़े थे ये शान को अपनी जो है नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उससे मौत का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेता है। इसके बाद दोस्तों 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा है। एक स्टार के साथ एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और ढाका में सफीना को वापस न बचा पाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान भी है। और दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर वेब सीरीज को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संतानु सेन गुप्ता इज द एन फ्रॉम द एंड लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी is the currently and working as the night manager in the Premier and Star Hotel in Dhaka and amid the end Rohingya and Gunekin in 2017. He is then approached by the Safina and Kwadia, 14 years older girl and married to be the and Mujati Sri owner of the and Star Hotel the Freddy Rahman to help her the and expect to India the open his the and refusal see his the and still to be hip the phone and the and discuss the record of the meeting in the end son is the phone the between the and cylinder the Sally and the Ren Gupta in the Rongta and the Freddy about the Boeing and the Sumilan and illegally armed to be in Bangladesh see also the takes the picture of the in park work and return the phone to San. So that hit the canal view and everything open the scene. Everything hit the end go to Freddy, go to friend Bikram the Bikram Bhagwat two of the Indian High End Commission in Dhaka to the Sri share the information and the in evidence. Bikram in the turn send the information to Rao officer. Lipika Sekia Rao who is the end charge of the Bangladesh in New Delhi. She is the been the keeping and tapes on the Sally and believes the D and evidence the and see the received from the and Safina and Shan is the inuk the two and officially go the after him the C and request Shan to keep the Safina safe for the night till see the arrive in Dhaka. The next the and afternoon the and Manuel bought the Freddy and the Sally come to the now about third the meeting the being the liquid. Sally the asks Freddy to kill Safina. He the along with the him the and search the an entire hotel from here. San takes Safina to new wing the and currently under the and contribution in the hotel to the end save the keeping the next day and he the goes to the get the food for the Safina. He called the Lipika to the end inquiry about here the current the end where put the however the Lipika and realized the here the phone has the been the end budget and ordered the son to hurry the back to Safina. He the come to and back the just the Safina and fell to the hard dead from when they hear the end dead hit the end role in the end suicide the while the
बाय द लोकल पुलिस द हु द एंड विद द एनसी होटल एंड द ज्वेलरी फ्रॉम द एन हाई प्रोफाइल एंड गेस्ट इन द होटल एंड द जम्पेज द एज द एंड विद द एंड चौगड दिस द एंड डिपेड टू बी बोर्ड द शांत एंड लिपिका नाउ द एंड कम्प्लीटली द विल बी बोर्ड द फ्रेडी एंड द सेली वेट द बिहिन द हेयर द एंड दे दिस द एंड प्रोमेटर सन टू बी लिव इन द जॉब Finally, 2 years later, Santa now lived the end, resolved the end, resolved the life in the Shimla, working as the night manager in the and start report hit the end constantly, and the failure the note being the end, able to be saved the Safina and back in the Dhaka. However, the end one day, hit the super and the superior the tells him the Sally the along with the hit the end is wished to be end coming stay in the restored the few days once the end arrived. Santa collected the strong information from the entrance hit the room and mails it the to Lipika over the course of the hit the end Sally. तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को। तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इस वेब सीरीज की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो न्यूज 18 के लिए दिशा शर्मा ने लिखा है अधिकांश श्रृंखलाओं की तरह द नाइट मैनेजर भी तीसरे एपिसोड में गति में गिरावट का गवाह बन जाता है। धीरे धीरे सभी जो है कार्ड बिछा रहा होता है। हालांकि श्रृंखला के अचानक अंत के कारण डुबकी हुई पूरी तरह से शूट नहीं होती है। चौथे एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो आपको हवा में लटकते हुए देखा जा सकता है इस सीरीज के अंदर। इसके बाद दोस्तों डेक्कन क्रॉनिकल के अजीत अंधेरे ने लिखा है किसी कारण से श्रृंखला का केवल जो है पहला भाग जिसमें 4 एपिसोड शामिल किया गया है अगले भाग की घोषणा के साथ जो है जल्द ही जारी किया गया है। हालांकि ये एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि कहानी पहले से काफी सही है। स्क्रॉल इन के लिए नंदिनी रामनाथ ने महसूस किया है कि फिल्म के अंदर और साथ ही साथ दोस्तों तिलोत्तमा शर्मा ने सबसे जो है मूल्यांकन भूमिका इसमें निभाई है और लिखा है जब उसे होने की आवश्यकता होती है तो वह ग्रहणशील जो है साधन संपन्न करता है और दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों निर्दयी सोम की लिपि का एक पूरी तरह से न्याय करने वाला दृश्य चुराने वाला है जो बदनाम रीमेक को वह काट देती है। जब वह गायब हो जाती है तो उसके जो है सुराग जो है आसपास होते हैं। दोस्तों इस श्रृंखला की समीक्षा करते हुए दीप प्रिंट की टीना दास ने लिखा जबकि मूल के साथ जो है तुलना और इसके साथ जो अपरिहार्य है एक भारतीय दर्शकों के अनुरूप जो अनुकूलन अनुभव को कम नहीं करता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक चरित्र के अलावा आपको बतला दे विषय और अतीत के भूतों से निपटने के विषय हर बार जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फैंस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो फैंस अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इसी के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग मुझे कहोगे इसको रिलीज करने के लिए तो मैं यहाँ पे इस सीरीज को कभी भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। और दोस्तों आप मान लो कि मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा और कर भी दिया तो मैं यहाँ पे इस मूवी को जैसे अपलोड करूंगा मुझे जो है कंपनी कॉपीराइट दे देगा और मेरे इस चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाएगा। तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ इस मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो कि जॉन ले कोर के इस नाम के उपन्यास पर आधारित जो है ब्रिटिश के ऊपर टेलीविजन श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 के रिमेक के रूप में ये सीरीज काम करती है।
आपको बताया दोस्तों, संतानु सान जो है और उनके अलावा सैन्य गुप्ता जो भारतीय नौसेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट जो है वर्तमान में थे, जो 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ जो है नरसंहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में एक नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें ये देखने को मिलता है, उनसे 14 साल की शादीशुदा लड़की सफीना किदवैया ने संपर्क किया जिसके बाद स्टार होटल के बहुसंख्या शेयर मालिक जो है फ्रेडी रहमान को भारत भागने में मदद करने के लिए उसके मना करने के बाद भी वह उसका फोन चुरा लेती है। और दोस्तों बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली के साथ जो है रोंगटा और उसके जो है फ्रेडी के बीच शान के फोन में एक बैठक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वह जो है कागजी कार्रवाई की तस्वीरें भी लेकर आती है और शान को फोन लौटा देती है इसके बाद, ताकि दोस्तों वह सब कुछ जो है देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी प्राप्त कर सके और सबूत जो है साझा करने के लिए वहां पे ढाका में और भारतीय। इसके बाद दोस्तों भारतीय उच्चायोग के अपने मित्र विक्रम जो है भागवत के पास वो चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है, विक्रम बदले में नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका सेकिया राव को बांग्लादेश के प्रभारी है, जो कि वो सूचना भेजते हैं वहाँ पे सेली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले हुए सबूत अधिकारियों के रूप में उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों वह जो है शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करते हैं, जब तक कि वह अगली दोपहर ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लिए लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने आदमियों के साथ उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेता है। इसके बाद दोस्तों शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है, जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है, जिसके वजह से अगले दिन जब वह सफीना के लिए खाने लेने के लिए बाहर जाता है, इसके बाद वो देखता है लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है। जैसे ही दोस्तों सफीना पंख से गिरकर मर जाती है, इसके बाद वह वापस आता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहती है कि उसने होटल में हाई प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए थे और पकड़े जाने से डर से वो कूद गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों लिपिका दोनों को जो है तबाह कर देती है ये बात, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी मौत के पीछे थे और ये शान को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीज। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कहानी जरूर देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पूरे 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा होता है, वो एकांत जीवन जी रहा है, एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम भी करता है। दोस्तों ढाका में सफीना को वापस न बचाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान है। इसके बाद हालांकि वह एक दिन उसके जो है वरिष्ठ उसे बताते हैं कि सैली अपने जो है सहयोगियों के साथ कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट से रहने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों उनके आने के बाद शान अपने कमरे के जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वो अपने कमरे में झांकने लगता है और इधर उधर चीजों को उठाकर देखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसके कमरे के कचरे से सारी रिपोर्ट पता चल जाता है। इसके बाद उनके आने के बाद शान अपने कमरे के कचरे को वहाँ पे पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे लिपिका को मेल कर देता है। इसके बाद अपने प्रवास के दौरान सैली की लगातार शान से मुलाकात होती है और वह हर बार वह शान के व्यवहार से प्रभावित होता है।
इसके बाद दोस्तों वो अपना कोट भी याद के तौर पर शान को दे देता है और जब वह रिसोर्ट से बाहर निकलता है इसके बाद अगले दिन शान एक अंदर कवर जो है लिपिका से मिलने आता है, जिसे अब जो है एजेंसी के अभिलेखन धारा अनुभाग में अनुभाग के साथ जो है पदावनत कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दोनों शैली के संडिकेट में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, लेकिन लिपिका और उसके सहकर्मी जो है सरंगा धारा आयोजित की गई एक नाटकीय सेटअप के साथ जो है शान एक अंतर्राष्ट्रीय भगोरे के रूप में शैली के करीब जाने के लिए श्रीलंका पहुंचने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी में हमें देखने को मिलता है लिपिका द्वारा नियोजित किए गए एक नकली अपहरण में वो अपने बेटे ताह को बचाता है। हालांकि इसे और अधिक जो है वास्तविक दिखाने के लिए वह जानबूझकर घायल हो जाता है। शान को देखने और खोजने पर शैली और उसका करीबी जो है ब्रिजपाल उर्फ बीजे दोनों एक अलग जो है उपनाम के साथ एक श्रीलंकाई पासपोर्ट पाते हैं और वह उसके स्वास्थ्यालय के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ लेकर जाने का निर्णय करता है, जिसके बाद दोस्तों नतीजतन शान शैली के गिरोह में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर लेता है और उनके बीच जो है अराजकता पैदा करने में सफल होता है। शान को अंत तक ये पता चलता है कि शैली के पास जो है दिवालियेपन के कगार पर और उसके साथ एक सौदा करने की उम्मीद के साथ जो है बरगाती हुई एक तेल और बैरन से मिलने के लिए रियाद जाने की योजना बनाता है। इसके बाद दोस्तों उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक भारतीय साथी है जो इंद्रा धनुष के नाम से जाना जाता है और जो शैली के वकील के साथ मिलकर इस कारण जो उपयोग करते हुए लिपिका ने भी बीजे को अपने जो है गिरफ्तार करने के लिए रियाद में एक सेटअप लगाया। इसके बाद दोस्तों समलैंगिकता के साथ जो है समलैंगिकता के तहत जो मध्य पूर्व में प्रतिबंध थे इसके सफल होने के बाद जो है शैली कोई अन्य जो है रास्ता नहीं होने के कारण शान को सीईओ पद जो है प्रदान करती है, जो पहले 30 दिनों के लिए बीजे द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उसे अंदर से बाहर निकालने का इरादा रखते हुए शान खुशी से प्रस्ताव के लिए सहमत भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पूर्व भारतीय नौसेना जो है लेफ्टिनेंट संतानु शान जो है सेना गुप्ता के साथ वर्तमान में 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ दोस्तों नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टार होटल के बहुमत जो है शेयर मालिक की पत्नी सफीना जो है फिदवाई ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद दोस्तों फ्रेडी रहमान उसे भारत जो है भागने में मदद करने के लिए उसको मना करने पर वह उसका फोन चुरा लेती है और बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली और इसके अलावा जो है रुंगटा और फ्रेडी के बीच एक बैठक जो है रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों कागजी कार्रवाई की तस्वीरों में भी काफी जो है कुछ तस्वीरें लिया जाता है और शान को फोन इसके बाद वापस लौटा देती है ताकि दोस्तों वह सब कुछ देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी और सबूत जो है साझा करने के लिए ढाका में भारतीय जो है उच्च योग में जा सके। उच्च योग के अपने जो है मित्र विक्रम जो है भागवत से संपर्क किया जाता है। इसके बाद दोस्तों विक्रम नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका और सैकिया रो जो बांग्लादेश की प्रभारी है उनको सूचना भेजा जाता है और वह शैली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले सबूत जो है आधिकारिक रूप से उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है और वह शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करती है जब तक कि वह अगली दोपहर तक जो ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और शैली दोनों को अपनी बैठक के लीक होने के बारे में पता चलता है और शैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वो अपने जो है आदमियों के साथ जो है उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेने लगता है। शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है। अगले दिन दोस्तों जब जो है सफीना के लिए खाना लेने के लिए बाजार जाता है तो वह लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है और जैसे ही सफीना
पंख से गिरकर मर जाती है तो वह वापस आ जाता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहते हैं कि उसने होटल में कई यानी कि प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए और पकड़े जाने के डर से वो कूद गई। इसके बाद दोस्तों ये शान जो है देखकर लिपिका और दोनों को जो है तबाह कर देता ये खबर। और दोस्तों ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़े थे, ये शान को अपनी जो है नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उससे मौत का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेता है। इसके बाद दोस्तों 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा है। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और ढाका में सफीना को वापस न बचा पाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान भी है। और दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर वेब सीरीज को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संतानु सेन गुप्ता इज द एन फ्रॉम द एंड लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी इज द करंटली एंड वर्किंग इज द नाइट मैनेजर इन द प्राइमर एंड स्टार होटल इन ढाका एन इमाइट द एंड रोहिंग्या एंड गुनेकिन इन 2017 ही इज द एन अप्रोचेड बाय द सफीना एंड क्वाडिया 14 ईयर्स ओल्डर गर्ल एंड मैरिड टू बी द एंड मुजैटी श्री ओनर ऑफ द एन स्टार होटल द फ्रेडी रहमान टू हेल्प हेयर द एन एस्पेक्ट टू इंडिया द ओपन हिज द एन रिफ्यूजल सी हिज द एन स्टिल टू बी हिप द फोन एंड द इंडिस्क्यूटी द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग इन द एन सन इज द फोन द बिटवीन द एंड सिलेंडर द सैली एंड रेन गुप्ता in the wrong time in the Freddy about the Boeing and the Sumilin and illegally armed to be in Bangladesh she also the takes the picture of the in park work and returned the phone to San so Ted hit the now view and everything open the scene everything hit the end go to Freddy go to friend Vikram Bhagwat two of the Indian High End Commission in Dhaka to the Sri shared the information and the in evidence Vikram in the turn sent the information to Rao officer Lipika Sekia Rao who is the and charge of the Bangladesh in New Delhi she is the been the keeping and tapes on the Sally and believe the D and evidence the NC the received from the N Safina and Shan is the inuk the two and officially go the after him the C and request Shan to keep the Safina safe for the night till C the arrive in Dhaka the next the and afternoon the N Manuel bought the Freddy and the Sally come to the now about third the meeting the being the liquid Sally the asks Freddy to kill Safina He the along with the him the and search the an entire hotel from here. San takes Safina to new wing the and currently under the and contribution in the hotel to the end save the keeping the next day and he the goes to the get the food for the Safina. He called the Lipika to the end inquiry about here the current the end where put the however the Lipika and realized the here the phone has the been the end budget and ordered the son to hurry the back to Safina. He the come to and back the just the Safina and fell to the hard date from. When they hear the end, death hit the end role in the end suicide the by the local police the who the end with the NC hotel and the jewelry from the end high profile and guest in the hotel and the jump is the as the end with the end chowgod this the end depicted to be both the Santa and Lipika now the end completely the will be both the Freddy and the Sally with the behind the here the end there this the end promoted son to be live in the job. Finally 2 years later Santa now lived the end resolved the and resolved the life in the Shimla working as the night manager in the and start report he the and consequently and the failure the note being the and able to be saved the Safina and back in the Dhaka however the in one day he the superhand the superior the tells him the Sally the along with the he the and is wished to be and coming stay in the resort the few days once the and arrive San the collected the strong information from the entrance he the room and mails it the to Lipika over the course of the he the and Sally
तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को। तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इस वेब सीरीज की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो न्यूज 18 के लिए दिशा शर्मा ने लिखा है, अधिकांश श्रृंखलाओं की तरह द नाइट मैनेजर भी तीसरे एपिसोड में गति में गिरावट का गवाह बन जाता है। धीरे धीरे सभी जो है कार्ड बिछा रहा होता है। हालांकि श्रृंखला के अचानक अंत के कारण डुबकी हुई पूरी तरह से शूट नहीं होती है। चौथे एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो आपको हवा में लटकते हुए देखा जा सकता है इस सीरीज के अंदर। इसके बाद दोस्तों डेक्कन क्रॉनिकल के अजीत अंधेरे ने लिखा है, किसी कारण से श्रृंखला का केवल जो है पहला भाग जिसमें 4 एपिसोड शामिल किया गया है, अगले भाग की घोषणा के साथ जो है जल्द ही जारी किया गया है। हालांकि ये एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि कहानी पहले से काफी सही है। स्क्रॉल इन के लिए नंदिनी रामनाथ ने महसूस किया है कि फिल्म के अंदर और साथ ही साथ दोस्तों तिलोत्तमा शर्मा ने सबसे जो है मूल्यांकन भूमिका इसमें निभाई है और लिखा है, जब उसे होने की आवश्यकता होती है तो वह ग्रहणशील जो है साधन संपन्न करता है और दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों निर्दयी सोम की लिपि का एक पूरी तरह से न्याय करने वाला दृश्य चुराने वाला है जो बदनाम रीमेक को वह काट देती है। जब वह गायब हो जाती है तो उसके जो है सुराग जो है आसपास होते हैं। दोस्तों इस श्रृंखला की समीक्षा करते हुए दीप प्रिंट की टीना दास ने लिखा, जबकि मूल के साथ जो है तुलना और इसके साथ जो अपरिहार्य है, एक भारतीय दर्शकों के अनुरूप जो अनुकूलन अनुभव को कम नहीं करता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक चरित्र के अलावा आपको बतला दे विषय और अतीत के भूतों से निपटने के विषय हर बार जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो फैंस अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इसी के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग मुझे कहोगे इसको रिलीज करने के लिए तो मैं यहाँ पे इस सीरीज को कभी भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। और दोस्तों आप मान लो कि मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा और कर भी दिया तो मैं यहाँ पे इस मूवी को जैसे अपलोड करूंगा मुझे जो है कंपनी कॉपीराइट दे देगा और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ इस मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो कि जॉन ले कोर के इस नाम के उपन्यास पर आधारित जो है ब्रिटिश के ऊपर टेलीविजन श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 के रिमेक के रूप में ये सीरीज काम करती है। आपको बताएं दोस्तों संतानु सान जो है और उनके अलावा सेनगुप्ता जो भारतीय नौसेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट जो है वर्तमान में थे जो 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ जो है नरसंहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में एक नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें ये देखने को मिलता है उनसे 14 साल की शादीशुदा लड़की सफीना किदवई ने संपर्क किया जिसके बाद स्टार होटल के बहुसंख्यक शेयर मालिक जो है फ्रेडी रहमान को भारत भागने में मदद करने के लिए उसके मना करने के बाद भी वह उसका फोन चुरा लेती है। और दोस्तों बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली के साथ जो है रोंगटा और उसके जो है फ्रेडी के बीच शान के फोन में एक बैठक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वह जो है कागजी कार्रवाई की तस्वीरें भी लेकर आती है और शान को फोन लौटा देती है इसके बाद, ताकि दोस्तों वह सब कुछ जो है देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी प्राप्त कर सके और सबूत जो है साझा करने के लिए वहां पे ढाका में और भारतीय उच्च आयोग के अपने
मित्र विक्रम जो है भागवत के पास वो चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है विक्रम बदले में नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका सेकिया राव को बांग्लादेश के प्रभारी है जो कि वो सूचना भेजते हैं वहाँ पे सेली पर नज़र रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले हुए सबूत अधिकारियों के रूप में उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों वह जो है शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करते हैं जब तक कि वह अगली दोपहर ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लिए लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने आदमियों के साथ उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेता है। इसके बाद दोस्तों शांत सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है, जिसकी वजह से अगले दिन जब वह सफीना के लिए खाने लेने के लिए बाहर जाता है, इसके बाद वो देखता है लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है। जैसे ही दोस्तों सफीना पंख से गिरकर मर जाती है, इसके बाद वह वापस आता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहती है कि उसने होटल में हाई प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए थे और पकड़े जाने से डर से वो कूद गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों लिपिका दोनों को जो है तबाह कर देती है ये बात, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी मौत के पीछे थे और ये शान को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीज। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कहानी जरूर देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पूरे 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा होता है, वो एकांत जीवन जी रहा है। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम भी करता है। दोस्तों ढाका में सफीना को वापस न बचाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान है। इसके बाद हालांकि वह एक दिन उसके जो है वरिष्ठ उसे बताते हैं कि सैली अपने जो है सहयोगियों के साथ कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट से रहने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों उनके आने के बाद शान अपने कमरे के जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वो अपने कमरे में झांकने लगता है और इधर उधर चीजों को उठाकर देखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसके कमरे के कचरे से सारी रिपोर्ट पता चल जाता है। इसके बाद उनके आने के बाद शान अपने कमरे के कचरे को वहाँ पे पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे लिपिका को मेल कर देता है। इसके बाद अपने प्रवास के दौरान सैली की लगातार शान से मुलाकात होती है और वह हर बार वह शान के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों वह अपना कोट भी याद के तौर पर शान को दे देता है और जब वह रिसोर्ट से बाहर निकलता है, इसके बाद अगले दिन शान एक अंदर कवर जो है लिपिका से मिलने आता है, जिसे अब जो है एजेंसी के अभिलेखन धारा अनुभाग के साथ जो है पदावनत कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दोनों सैली के सिंडिकेट में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, लेकिन लिपिका और उसके सहकर्मी जो है सरंगा धारा आयोजित की गई एक नाटकीय सेटअप के साथ जो है शान एक अंतर्राष्ट्रीय भगोरे के रूप में सैली के करीब जाने के लिए श्रीलंका पहुंचने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी में हमें देखने को मिलता है लिपिका धारा नियोजित किए गए एक नकली अपहरण में वो अपने बेटे ताह को बचाता है। हालांकि इसे और अधिक जो है वास्तविक दिखाने के लिए वह जानबूझकर घायल हो जाता है। शान को देखने और खोजने पर सैली और उसका करीबी जो है ब्रिजपाल उर्फ बीजे दोनों एक अलग जो है उपनाम के साथ एक श्रीलंकाई पासपोर्ट पाते हैं और वह उसके स्वास्थ्यालय के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ लेकर जाने का निर्णय करता है, जिसके बाद दोस्तों नतीजतन शान सैली के गिरोह में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर लेता है और उनके बीच जो है अराजकता पैदा करने में सफल होता है। शान को अंत तक ये पता चलता है कि सैली के पास जो है दिवालियेपन के कगार पर और उसके साथ एक सौदा करने की उम्मीद के साथ जो है बरगाती हुई एक तेल और बैरन से मिलने के लिए रियाद जाने की योजना बनाता है। इसके बाद दोस्तों उसे ये भी पता चलता है कि
वंश का एक भारतीय साथी है जो इंद्रा धनुष के नाम से जाना जाता है और जो शैली के वकील के साथ मिलकर इस कारण जो उपयोग करते हुए लिपिका ने भी डीजे को अपने जो है गिरफ्तार करने के लिए रियाद में एक सेटअप लगाया। इसके बाद दोस्तों समलैंगिकता के साथ जो है समलैंगिकता के तहत जो मध्य पूर्व में प्रतिबंध थे इसके सफल होने के बाद जो है शैली कोई अन्य जो है रास्ता नहीं होने के कारण शान को सीईओ पद जो है प्रदान करती है, जो पहले 30 दिनों के लिए विजय धारा कब्जा कर लिया गया था और उसे अंदर से बाहर निकालने का इरादा रखते हुए शान खुशी से प्रस्ताव के लिए सहमत भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पूर्व भारतीय नौसेना जो है लेफ्टिनेंट संतानु शान जो है सेना गुप्ता के साथ वर्तमान में 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ दोस्तों नरसहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टार होटल के बहुमत जो है शेयर मालिक की पत्नी सफीना जो है फिदवाई ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद दोस्तों फ्रेडी रहमान उसे भारत जो है भागने में मदद करने के लिए उसको मना करने पर वह उसका फ़ोन चुरा लेती है और बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर शैली और इसके अलावा जो है रोंगटा और फ्रेडी के बीच एक बैठक जो है रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों कागजी कार्रवाई की तस्वीरों में भी काफ़ी जो है कुछ तस्वीरें लिया जाता है और शान को फ़ोन इसके बाद वापस लौटा देती है ताकि दोस्तों वह सब कुछ देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी और सबूत जो है साझा करने के लिए ढाका में भारतीय जो है उच्च योग में जा सके। उच्च योग के अपने जो है मित्र विक्रम जो है भागवत से संपर्क किया जाता है। इसके बाद दोस्तों विक्रम नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका और सैकिया रो जो बांग्लादेश की प्रभारी है उनको सूचना भेजा जाता है और वह शैली पर नज़र रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले सबूत जो है आधिकारिक रूप से उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है और वह शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करती है जब तक कि वह अगली दोपहर तक जो है ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और शैली दोनों को अपनी बैठक के लीक होने के बारे में पता चलता है और शैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने जो है आदमियों के साथ जो है उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेने लगता है। शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है। अगले दिन दोस्तों जब जो है सफीना के लिए खाना लेने के लिए बाजार जाता है तो वह लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फ़ोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है और जैसे ही सफीना पंख से गिरकर मर जाती है तो वह वापस आ जाता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना जो ये कहते हैं कि उसने होटल में कई यानी कि प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए और पकड़े जाने के डर से वो कूद गई। इसके बाद दोस्तों ये शान जो है देखकर लिपिका और दोनों को जो है तबाह कर देता है ये खबर और दोस्तों ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और शैली दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़े थे ये शान को अपनी जो है नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उससे मौत का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेता है। इसके बाद दोस्तों दो साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा है। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और ढाका में सफीना को वापस न बचा पाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान भी है। और दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर वेब सीरीज को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संतानु सेन गुप्ता इज द एन फ्रॉम द एंड लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी इज द करंटली एंड वर्किंग इज द नाइट मैनेजर इन द प्रीमियर एंड स्टार होटल इन ढाका एंड इमेज द एंड रोहिंग्या एंड गुनेकिन इन 2017 ही इज द एन अप्रोच्ड बाय द सफीना एंड क्वाडिया 14 years old girl and married to be the end Mujati Sri owner of the N Star Hotel the Freddy Rahman to help her the N expect to India the open his the N refusal she is the N still to be hip the phone and the indiscreetly the record of the meeting in the N son is the phone the between the end cylinder the Sally and Ren Gupta
रेन द रोंगटा इन द फ्रेडी अबाउट द बोइंग एंड द सुमिलेन एंड इलीगली अराम टू बी इन बांग्लादेश सी ऑल्सो द टेकेज द पिक्चर ऑफ द इन पार्क वर्क एंड रिटर्न द फोन टू सान सो थेट हिट द नाउ व्यू एंड एवरीथिंग ओपन द सिंग एवरीथिंग हिट एन गो टू फ्रेंड विक्रम भागवत टू ऑफ द इंडियन हाई एंड कमीशन इन ढाका टू द श्री शेयर द इंफॉर्मेशन एंड द इन एविडेंस विक्रम इन द टर्न सेंड द इंफॉर्मेशन टू राव ऑफिसर लिपिका सैकिया राव हु इज द एंड चार्ज ऑफ द बांग्लादेश इन न्यू दिल्ली She is the been the keeping and tapes on the silly and believe the D and evidence the NC the received from the N Safina and Shan is the nuke the two and officially go the after him the C and request Shan to keep the Safina safe for the night till see the arrive in Dhaka. The next the end afternoon the Enman will board the Freddy and the Sally come to the now about third the meeting the being the liquid. Sally the asks Freddy to kill Safina. He the along with the him the and search the an entire hotel from here. San takes Safina to new wing the end currently under the end contribution in the hotel to the end save the keeping the Next day and he the goes to the get the food for the Safina. He called the Lipika to the end inquiry about here the current the end where put the however the Lipika and realized the here the phone has the been the end budget and ordered the son to hurry the back to Safina. He the come to and back the just the Safina and fell to the hard date from. When they hear the end, did hit the end role in the end suicide the while the by the local police the who the end with the NC hotel and the jewelry from the end high profile and guest in the hotel and the jump is the as the end with the end chagod. This the end depicted to be both the Santa and Lipika. Now the end completely the will be both the Freddy and the Sally with the behind the hear the end. They did the end permitted the son to be live in the job. Finally, 2 years later, Santa now lived and resolved the and resolved the life in the Shimla, working as the night manager in the and start report hit the and constantly, and the failure the note being the and able to be saved the Safina and back in the Dhaka. However, the and one day hit the super and the superior the tells him the Sally the along with the hit the and is wished to be and coming stay in the resort the few days once the and arrive. San the collected the strong information from the entrance hit the room and mails it the to Lipika over the course of the hit the and Sally. तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को। तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इस वेब सीरीज की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो न्यूज 18 के लिए दिशा शर्मा ने लिखा है अधिकांश श्रृंखलाओं की तरह द नाइट मैनेजर भी तीसरे एपिसोड में गति में गिरावट का गवाह बन जाता है। धीरे धीरे सभी जो है कार्ड बिछा रहा होता है। हालांकि श्रृंखला के अचानक अंत के कारण डुबकी हुई पूरी तरह से शूट नहीं होती है। चौथे एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो आपको हवा में लटकते हुए देखा जा सकता है इस सीरीज के अंदर। इसके बाद दोस्तों डेक्कन क्रॉनिकल के अजीत अंधेरे ने लिखा है किसी कारण से श्रृंखला का केवल जो है पहला भाग जिसमें 4 एपिसोड शामिल किया गया है अगले भाग की घोषणा के साथ जो जल्द ही जारी किया गया है। हालांकि ये एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि कहानी पहले से काफी सही है। स्क्रॉल इन के लिए नंदिनी रामनाथ ने महसूस किया है कि फिल्म के अंदर और साथ ही साथ दोस्तों तिलोत्तमा शर्मा ने सबसे जो मूल्यांकन भूमिका इसमें निभाई है और लिखा है जब उसे होने की आवश्यकता होती है तो वह ग्रहणशील जो है साधन संपन्न करता है और दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों निर्दयी सोम की लिपि का एक पूरी तरह से न्याय करने वाला दृश्य चुराने वाला है जो बदनाम रीमेक को वह काट देती है। जब वह गायब हो जाती है तो उसके जो है सुराग जो है आसपास होते हैं। दोस्तों इस श्रृंखला की समीक्षा करते हुए दीप प्रिंट की टीना दास ने लिखा
जबकि मूल के साथ जो है तुलना और इसके साथ जो अपरिहार्य है। एक भारतीय दर्शकों के अनुरूप जो अनुकूलन अनुभव को कम नहीं करता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक चरित्र के अलावा आपको बतला दे विषय और अतीत के भूतों से निपटने के विषय हर बार जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज को, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं द नाइट मैनेजर टीवी सीरीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो फैंस अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इसी के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग मुझे कहोगे इसको रिलीज करने के लिए तो मैं यहाँ पे इस सीरीज को कभी भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। और दोस्तों आप मान लो कि मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा और कर भी दिया तो मैं यहाँ पे इस मूवी को जैसे ही अपलोड करूंगा मुझे जो है कंपनी कॉपीराइट दे देगा और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाएगा। तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ इस मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो कि जॉन ले कॉर के इस नाम के उपन्यास पर आधारित जो है ब्रिटिश के ऊपर टेलीविजन श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 के रिमेक के रूप में ये सीरीज काम करती है। आपको बताएं दोस्तों संतानु सान जो है और उनके अलावा सैनिक गुप्ता जो भारतीय नौसेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट जो है वर्तमान में थे जो 2017 में रोहिंग्या और साथ ही साथ जो है नरसंहार के बीच जो है ढाका में एक प्रीमियर स्टार होटल में एक नाइट मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें ये देखने को मिलता है उनसे 14 साल की शादीशुदा लड़की सफीना किदवैया ने संपर्क किया जिसके बाद स्टार होटल के बहुसंख्या शेयर मालिक जो है फ्रेडी रहमान को भारत भागने में मदद करने के लिए उसके मना करने के बाद भी वह उसका फोन चुरा लेती है। और दोस्तों बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी के बारे में सिलेंडर सेली के साथ जो है रोंगटा और उसके जो है फ्रेडी के बीच शान के फोन में एक बैठक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वह जो है कागजी कार्रवाई की तस्वीरें भी लेकर आती है और शान को फोन लौटा देती है इसके बाद ताकि दोस्तों वह सब कुछ जो है देख सके और सब कुछ जो है देखने के बाद वह जानकारी प्राप्त कर सके और सबूत जो है साझा करने के लिए वहां पे ढाका में और भारतीय इसके बाद दोस्तों भारतीय उच्चायोग के अपने मित्र विक्रम जो है भागवत के पास वो चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है विक्रम बदले में नई दिल्ली में रो अधिकारी जो है लिपिका सेकिया राव को बांग्लादेश के प्रभारी है जो कि वो सूचना भेजते हैं वहाँ पे सेली पर नजर रखते हैं और मानती है कि उसे जो है सफीना और शान से मिले हुए सबूत अधिकारियों के रूप में उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों वह जो है शान से सफीना को एक रात के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध करते हैं जब तक कि वह अगली दोपहर ढाका नहीं पहुंच जाती। इस बीच दोस्तों फ्रेडी और सैली दोनों को अपनी बैठक के लिए लीक होने के बारे में पता चलता है और सैली फ्रेडी से सफीना को मारने के लिए कहती है। इसके बाद दोस्तों वह अपने आदमियों के साथ उसके लिए पूरे होटल की तलाशी लेता है। इसके बाद दोस्तों शान सफीना को सुरक्षित रखने के लिए एक नए विंग में लेकर जाता है जो वर्तमान में स्टार होटल में निर्माणधीन है जिसकी वजह से अगले दिन जब वह सफीना के लिए खाने लेने के लिए बाहर जाता है इसके बाद वो देखता है लिपिका को उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि दोस्तों लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन खराब हो गया है और वह शान को सफीना वापस जाने का आदेश देता है। जैसे ही दोस्तों सफीना पंख से गिरकर मर जाती है इसके बाद वह
वापस आता है और उसकी मौत को स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या माना, जो ये कहती है कि उसने होटल में हाई प्रोफाइल जो है मेहमानों से गहने चुराए थे और पकड़े जाने से डर से वो कूद गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों लिपिका दोनों को जो है तबाह कर देती है ये बात, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि फ्रेडी और सैली दोनों ही उसकी मौत के पीछे थे, और ये शान को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीज। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कहानी जरूर देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पूरे 2 साल बाद शान अब जो है शिमला में एक जो है बैरागी जीवन जी रहा होता है। वो एकांत जीवन जी रहा है। एक स्टार रिसोर्ट में नाइट मैनेजर के रूप में काम भी करता है। दोस्तों ढाका में सफीना को वापस न बचाने की अपनी असफलता से वह लगातार परेशान है। जिसके बाद हालांकि वह एक दिन उसके जो है वरिष्ठ उसे बताते हैं कि सैली अपने जो है सहयोगियों के साथ कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट से रहने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों उनके आने के बाद शान अपने कमरे के जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वो अपने कमरे में झांकने लगता है और इधर उधर चीजों को उठाकर देखने लगता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर शो को। तो फ्रेंड्स ये सीरीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन सब चीजों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि ये सीरीज कहाँ पे रिलीज हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस सीरीज को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बात करें इसके रिलीज डेट के बारे में तो दोस्तों इसको 17 फरवरी 2023 को डिज्नी प्लस और स्टार में इसको रिलीज किया गया है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको अभी डिज्नी प्लस पे देखने को मिल जाता है हिंदी भाषा में। इसके अलावा दोस्तों इसमें नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इसमें अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर और सुभिता धुलीपाल फिल्म में अभिनय करती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा दोस्तों द नाइट मैनेजर शो के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों संदीप मोदी और श्रीधर राघवन ने इसको डायरेक्ट किया है। दोस्तों संदीप मोदी और प्रियंका घोष इसकी कहानी भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये कहानी काफी शानदार है। फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।